एपिसोड 110 बम ब्लास्ट की प्लानिंग। श्लोक ने प्रशांत की स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, आप ऐसा नहीं कह सकते, मैंने अपने पूरी कोशिश की थी और मैं भी बहुत मुश्किल से बचा हूँ। हमारा दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर था, तब भी हमने उनके कई लोगों को मारा था और काफी सारी चीजें बचाई भी थी। उनके मूव से हम उनकी चाल समझ सकते हैं और अगली बार हम कोई भी गलती करने से पहले ही सतर्क हो जाएंगे। प्रशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आप कह सही रहे, मैंने भी आप लोगों की फाइट की तस्वीरें देखी थी। आप जिस तरह से लड़ाई करते हैं वो बहुत अलग है। ये सुनते ही श्लोक की आंखें गहरी हो गई। उसे याद था कि जब वो इंग्लैंड गया था तो प्रशांत ने उस पर हमला करवाया था और श्लोक ये जानता था कि उस समय प्रशांत ने उस फाइट की वीडियो भी बनवाई होगी और मिशन के दौरान जो लड़ाई हुई थी उसमें उसका हमशक्ल गया था, ना कि वो। इसीलिए जाहिर सी बात है उसका लड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग था और श्लोक प्रशांत को इतना तो समझ गया था कि वो बहुत बारीकी से सब चीजों की जांच करता है और उसने अंदाजा लगा लिया होगा कि वो श्लोक ना होकर कोई और है। श्लोक ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? प्रशांत अपनी सीट की तरफ झुक गया और उसने कहा, मैं जो कहना चाहता हूँ आप वो समझ गए हैं। ये कहते हुए वो चुप हो गया। तभी एक आदमी जिसने काले रंग के कपड़े पहने थे और उसकी बड़ी दाढ़ी थी, उसने कहा, आप लोग बहस करना बंद कीजिए। बात अब ये है कि हमें बहुत नुकसान हुआ है, इसीलिए मेरे पास एक प्लान है। उस आदमी की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। श्लोक ध्यान से उस इंसान को देख रहा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। काले कपड़े वाले आदमी ने कहा, हमने मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए हैं, ऐसे जहरीले बॉम्ब्स जिससे वहां महामारी फैल जाएगी और हमारे नाम की दहशत इंडिया तक पहुंच जाएगी। इस बात को सुनकर सब लोग कुछ पल के लिए चुप होकर एक सोच में गुम हो गए। तभी मिस्टर क्रिस्टल ने ताली बजाते हुए कहा, ग्रेट मिस्टर कैलाश, आपका प्लान बहुत अच्छा है, हम इस पर वर्क जरूर करेंगे। मिस्टर क्रिस्टल की बात सुनते ही सबने उनकी बात में हामी भरना शुरू कर दिया। वहीं प्रशांत और श्लोक दोनों के माथे पर चिंता की लकीर दिख रही थी, क्योंकि वो दोनों ही ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। दोनों ने स्क्रीन पर एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे की आंखों में देखकर वो समझ गए कि उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, कई सारी गाड़ियां एक साथ कॉलेज में एंटर हुई और उनमें से काले कपड़े पहने कई लोग बाहर आए। सारे स्टूडेंट्स और बाकी लोग उसी तरफ देख रहे थे। बीच में खड़ी एक कार से एक आदमी बाहर आया जिसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसके हैंडसम फेस और पर्सनालिटी को देखकर लड़कियां और फीमेल प्रोफेसर दीवानी हो रही थी। वो आदमी बिना किसी की तरफ ध्यान दिए बॉडीगार्ड के साथ कॉलेज में एंटर हो गया और इस दिशा में जाने लगा जहां का उसे पता बताया गया था। एक क्लासरूम के पास रुककर उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक लड़के को कुर्सी से बांध के रखा गया था और उसके साइड में आलिया, विद्या, भक्ति और आकांक्षा ये सब खड़े थे। आकांक्षा के कपड़े फटे हुए थे, उसके माथे से खून बह रहा था और उसके बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। आकांक्षा की हालत देखकर श्लोक का गुस्सा भड़ गया। उसने आगे बढ़कर उस लड़के को लात मारी जिससे वो लड़का कुर्सी के साथ जमीन पर गिर गया। श्लोक ने जमीन पर बैठकर उस लड़के को कॉलर खींचते हुए कहा, मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आकांक्षा को हाथ लगाने की, अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। ये कहते हुए वो खड़ा हुआ और आकांक्षा के पास पहुंचकर उसे अपना कोट पहनाने लगा। आकांक्षा जो कब से चुपचाप खड़ी थी और कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, श्लोक के करीब आने से वो रोने लगी। श्लोक ने कस के आकांक्षा को गले लगाए और कहा, शांत हो जाओ, मैं आ गया हूँ। आकांक्षा ने अपनी उंगली उस लड़के की तरफ पॉइंट की और कहा, डॉक्टर साहब, ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसने मुझे इस कमरे में खींचकर किसी तरह की नशे वाली दवा दी। ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और इसने मेरी फोटो भी खींची थी। श्लोक जो कब से खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, आकांक्षा की बातों को सुनकर उसका गुस्सा भरने लगा। श्लोक ने तेज आवाज में कहा, इसे ब्लैक चैम्बर ले जाओ। ये कहकर वो आकांक्षा को संभालते हुए अपने साथ बाहर ले जाने लगा। बाहर स्टूडेंट्स की भीड़ जमा थी,
जो ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि अंदर क्या हो रहा है, पर उन सारे बॉडीगार्ड्स के बीच में उन्हें श्लोक और आकांक्षा नहीं दिखे। कार में आकांक्षा चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी और याद कर रही थी कि क्या हुआ था। फ्लैशबैक। अचानक अपने आप को किसी के जरिए खींचे जाने पर आकांक्षा सतर्क हो गई। उसने तेजी से उस अंधेरे कमरे में अपना पैर उठाकर सामने खड़े इंसान को मारने की कोशिश की, पर वो इंसान शायद उसके अटैक के लिए पहले से ही तैयार था। उसने आकांक्षा का पैर पकड़कर रोक दिया और जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी एक बोतल से कोई लिक्विड उस पर स्प्रे कर दिया, जिससे आकांक्षा को सब धुंधला दिखने लगा और उसे कमजोरी महसूस होने लगी। आखिरी कोशिश करते हुए आकांक्षा ने एक पंच उस इंसान के चेहरे पर मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गया। लेकिन आकांक्षा में वहां से भागने की हिम्मत नहीं बची थी और वो वहीं जमीन पर बैठ गई थी। आकांक्षा को महसूस हुआ कि वो इंसान उसके कपड़े फाड़ रहा था और उसकी फोटो भी खींच रहा था, पर फिर सब शांत हो गया, जैसे वो वहां से जा रहा हो। आकांक्षा ने एक गहरी सांस ली ही थी कि तभी उसे अपने शरीर पर एक भार महसूस हुआ। वो इंसान उसके ऊपर था और उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था। आकांक्षा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस इंसान को खुद से दूर किया, जिससे उस इंसान ने गुस्से में आकांक्षा को थप्पड़ मार दिया और वापस उसके साथ बदतमीजी करने लगा। तभी उस कमरे का दरवाजा खोलकर कुछ लोग अंदर आ गए और उन्होंने उस इंसान को खींचकर आकांक्षा से दूर कर दिया और उसे मारने लगे। विद्या, भक्ति और आलिया आकांक्षा को ढूंढते हुए वहां आए थे और उन तीनों ने आकांक्षा को बचा लिया था। प्रेजेंट। आकांक्षा अपने होश में श्लोक की आवाज से आई। उसने अपना सिर उठाकर देखा। श्लोक उसकी तरफ का डोर खोलकर खड़ा था और उसका एक हाथ आकांक्षा की तरफ बढ़ा हुआ था। आकांक्षा कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर अपना हाथ श्लोक के हाथ में देकर बाहर निकल गई। शाम होने वाली थी और आसमान हल्के लाल रंग का दिखने लगा था। आकांक्षा ने सामने देखा, कलरफुल लाइट से वो जगह चमक रही थी और लोगों की चहल पहल वहां देखी जा सकती थी, खास करके वहां बच्चे ज्यादा थे। श्लोक ने आकांक्षा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर उस दिशा में ले जाने लगा। बड़े से गेट पर रॉयल एम्यूजमेंट पार्क लिखा था। श्लोक आकांक्षा को अपने साथ एक क्लोथ स्टोर में ले गया। उसने आकांक्षा को कुछ कपड़े दिए और उसे बदलने को कहा। आकांक्षा ने वो कपड़े लिए और स्टोर के चेंजिंग रूम में चली गई। श्लोक बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा था। उसके गार्ड्स पूरे अम्यूजमेंट पार्क में फैल गए थे और उनमें से कुछ लोग श्लोक के साथ भी थे। श्लोक ने उनकी तरफ देखकर कहा, तुम सब यहां से जाओ। वो सारे गार्ड्स उससे थोड़ी दूर चले गए। थोड़ी देर बाद जब आकांक्षा चेंज करके बाहर आई तो श्लोक उसे देखता ही रह गया। आकांक्षा ने श्लोक के पास आकर धीरे से कहा, चले। श्लोक होश में आया और आकांक्षा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। तभी लड़कियों का एक ग्रुप उनके सामने आ गया। उनमें से एक लड़की जिसने वाइन कलर की ड्रेस पहनी थी, उसने श्लोक को देखते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम सनाया है, और तुम्हारा? ये कहते हुए वो श्लोक को देखे जा रही थी। लड़कियों का ग्रुप पीछे हंस रहा था और उनमें से हर एक लड़की अपने सामने खड़े हैंडसम लड़के को देख रही थी। सनाया, जो श्लोक से बातें करने की कोशिश कर रही थी, श्लोक से कोई जवाब ना पाकर श्लोक पर गिरने का नाटक करने लगी। पर इससे पहले कि वो श्लोक की शर्ट को छू भी पाती, एक पतले और नाजुक से हाथ ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। सनाया ने अपना सिर उठाकर सामने देखा, जहां एक लड़की मिकी माउस वाली डंगली पहनकर खड़ी थी। उसने टू साइड पोनी टेल बनाई हुई थी। उसके दोनों कंधे पर उसकी चोटियां झूली थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और वो घूर कर सनाया को देख रही थी। सनाया ने अपनी उंगली ऊपर उठाकर कहा, तुम छोटी बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? अभी तुम्हारे भाई से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। ये कहते हुए वो खड़ी हुई और श्लोक को देखने लगी। ये सुनकर कि उसने श्लोक को उसका भाई समझ लिया है, आकांक्षा का गुस्सा और बढ़ गया। वैसे भी वो कॉलेज में हुए इंसिडेंट से पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में थी, पर अपने आप को शांत करने के लिए उसे कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन ये लड़की उसके सामने खुद चलकर आ गई थी। तनाया और उसका ग्रुप जब उस स्टोर में कपड़े खरीदने गए थे,
तो उन्होंने श्लोक और आकांक्षा को देखा था और आकांक्षा के लुक को देखकर उन्होंने उसे एक छोटी बच्ची समझ लिया था और श्लोक को उसका भाई समझ लिया था। आकांक्षा ने अपना एक हाथ उठाकर सनाया के बालों को खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दोबारा मेरे हस्बैंड को देखने की हिम्मत करो, मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। ये सुनते ही सनाया का चेहरा सफेद पड़ गया और पीछे खड़ी लड़कियां जो हंस रही थी उन सबके मुंह बंद हो गए। वो सब ध्यान से आकांक्षा को देखने लगी। अब जब सनाया ध्यान से आकांक्षा को देख रही थी तो उसे भी लग रहा था कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। सनाया ने अपने बालों को झटकते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, तुम कहना क्या चाहती हो कि वो तुम्हारा पति है? मजाक अच्छा है, तुमने अपने आप को देखा है? आकांक्षा मुस्कुराकर वहां रखा पानी का ग्लास उठाया और सारा पानी सनाया पर फेंकते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को देखो, जब तुम्हारे चेहरे से मेकअप हट जाएगा तो तुम एक चुड़ैल की तरह दिखोगी। सनाया ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढकते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बात को बढ़ता देखकर शॉपकीपर उन्हें शांत कराने वहां आ गया। उसने सनाया और उस ग्रुप को वहां से भगा दिया और श्लोक से माफी मांगकर उन्हें भी वहां से भेज दिया। श्लोक ने अब तक एक भी शब्द नहीं कहा था। सनाया को अपने पास आता देखकर भी वो शांत था, क्योंकि श्लोक चाहता था कि आकांक्षा उसे रोके। जो लड़की चुलबुली नेचर की थी और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी, आज काफी समय से शांत थी और श्लोक को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी आकांक्षा को कैसे वापस नॉर्मल करे। आकांक्षा गुस्से में पैर पटकते हुए पार्क के बड़े से दरवाजे से अंदर की तरफ जाने लगी। उसने आसपास देखा, बड़े बड़े झूले और कई सारे गेम सेंटर्स वहां लगे हुए थे, जहां पर बच्चे और बड़े सभी इंजॉय कर रहे थे। उस खुशनुमा माहौल को देखकर आकांक्षा का गुस्सा पल भर में गायब हो गया और उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक दिखने लगी। आकांक्षा ने अपने दोनों हाथ आपस में मिलाते हुए खुद से कहा, ये कितनी अच्छी जगह है, मैंने कभी ये जगह क्यों नहीं देखी। श्लोक जो उसके पीछे ही चल रहा था, उसने आकांक्षा की बातें सुन ली थी। उसे अपने दिल में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था और श्लोक को ये सोचते हुए खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो क्यों कभी आकांक्षा को कहीं बाहर घुमाने नहीं ले गया। जो लड़की हमेशा उसके दिल में और घर में उसके साथ रहती थी, उसने दुनिया और दुनिया की अच्छी चीजों को कभी नहीं देखा था, पर वो उन सारी चीजों को देखना और महसूस करने के लिए सिर्फ अपने डॉक्टर साहब पर ही निर्भर थी। श्लोक ने आकांक्षा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ आगे ले जाते हुए कहा, चलो हम राइड पर चलते हैं। आकांक्षा ने अपना सिर उठाकर श्लोक की तरफ देखा, जो आगे देखते हुए चल रहा था, और उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। पर उसने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्यों, आपको मेरे साथ क्यों जाना है? जाइए उस लड़की के साथ जाइए जो आपको मेरा भाई कह रही थी। नहीं, आपको तो बहुत मजा आ रहा था उन सारी लड़कियों को देखकर जो आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। अरे, किसने कहा था आपको कि आप ऐसे ही बाहर आ जाइए? अगली बार से अगर आप कहीं भी जाएंगे तो चेहरे पर मास्क लगाना मत भूलना। श्लोक ने एक ठंडी आह भरी। वो जब भी आकांक्षा के साथ होता था तो उसे कोई ना कोई लड़की परेशान जरूर करती थी, जिस कारण आकांक्षा उससे गुस्सा हो जाती थी। श्लोक ने अपना हाथ आकांक्षा के कंधे पर रखा और उसे अपनी तरफ खींचकर आगे ले जाते हुए कहा, अब क्या इसमें भी मेरी गलती है? आकांक्षा ने जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और कहा, और नहीं तो क्या, और किसकी गलती हो सकती है? किसने कहा था आपको इतना हैंडसम होने के लिए? श्लोक ने आकांक्षा की नाक खींची और कहा, अगर मैं हैंडसम नहीं होता तो क्या तुम मुझे छोड़कर भाग नहीं जाती? आकांक्षा ने जोर से श्लोक का हाथ पकड़ा और कहा, कभी नहीं, मुझे इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, क्योंकि आप मेरे दिल को पसंद करते हैं और मैं आपके दिल को पसंद करती हूँ। हम एक दूसरे की सीरत को जानते हैं और सूरत सिर्फ एक आईना है जो हमें एक दूसरे से रूबरू कराती है। एपिसोड 112, खलनायक श्लोक। आकांक्षा श्लोक की हालत समझ रही थी। उसने श्लोक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप थोड़ी देर बाहर जाइए, मैं इसके कपड़े बदल देती हूँ। श्लोक ने कुछ नहीं कहा और कमरे से बाहर चला गया। श्लोक के वहां से जाने के बाद आकांक्षा ने कीर्ति के शरीर से
उस ब्लैंकेट और कोट को हटाया और उसके शरीर के घावों को देखते हुए उसकी आंखें नम हो गई। कीर्ति के शरीर को गीले टॉवल से अच्छे से साफ करने के बाद आकांक्षा ने उसे दूसरे कपड़े पहना दिए। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आकांक्षा ने अंदर आने को कहा। श्लोक एक फीमेल डॉक्टर के साथ अंदर आया। उसने कहा, डॉक्टर आ गई है? आकांक्षा ने हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों बाहर जाइए, मैं इन्हें चेक कर लेती हूँ। फिर आकांक्षा और श्लोक दोनों कमरे के बाहर चले गए। कमरे से बाहर आने के बाद आकांक्षा ने देखा कि श्लोक बहुत परेशान था। उसने श्लोक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आकांक्षा जब श्लोक के लिए पानी लेकर वापस आई तो उसे श्लोक कहीं नहीं दिखा। वो उसे ढूंढते हुए टेरेस पर पहुंच गई। आकांक्षा ने देखा श्लोक रेलिंग के पास खड़े होकर चांद को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसकी आंखों की नमी आकांक्षा दूर से ही देख सकती थी। उसके पास पहुंचकर आकांक्षा ने श्लोक को पीछे से गले लगाया और कहा, आप ठीक है ना? श्लोक आकांक्षा के हाथों पर अपने हाथ रखकर अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सीन घूम रहा था जब उसने कीर्ति को उस हालत में देखा था। ये सोचते हुए कि अगर आकांक्षा ने उस समय कीर्ति को नहीं पहचाना होता तो कीर्ति के साथ क्या हो सकता था, श्लोक का शरीर कांप उठा। आकांक्षा को अपनी तरफ घुमाते हुए श्लोक ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और कहा, थैंक यू। अगर तुमने कीर्ति को नहीं पहचाना होता तो आज उसके साथ। ये कहती हुई श्लोक का गला बहुत भारी हो गया था। आकांक्षा ने जोर से नाह में गर्दन हिलाई और कहा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वो ठीक है और आराम कर रही है। अगर आप ऐसा बिहेव करेंगे तो उसे कौन समझाएगा? श्लोक ने जोर से आकांक्षा को गले लगाया और कहा, पता नहीं ऐसा क्या खास था उस समय में जो तुम मुझे मिल गई। मेरी हर मुसीबत और हर परेशानी में तुम मेरे साथ होती हो। तुम्हारे होने से ही मेरे पास हर खुशी है। आकांक्षा ने श्लोक की पीठ को सहलाते हुए कहा, अब अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो मैं भी रो दूंगी। श्लोक ने आकांक्षा की कमर पर अपनी पकड़ कसी और कहा, खबरदार जो तुम रोई। अगर तुम रोगी तो तुम्हारी नाक वापस लाल हो जाएगी। आकांक्षा ने श्लोक के पेट में पंच मारा और कहा, मेरी नाक बहती नहीं है और ना ही लाल होती है। ये कहते हुए वो एक उंगली से अपनी नाक को रब कर रही थी। उसकी इस हरकत को देखकर श्लोक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने धीरे से आकांक्षा के सिर को थपथपाया और कहा, तुम मेरी सारी मुसीबतें खत्म कर देती हो। आकांक्षा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, खाना खा लीजिए, आपने अम्यूजमेंट पार्क में भी कुछ नहीं खाया था। श्लोक ने उसे अपने साथ आगे ले जाते हुए कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है। आकांक्षा ने भी अपने सिर को ऊपर उठाते हुए कहा, ठीक है मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। आह भरते हुए श्लोक ने अपने सिर को नीचे करके आकांक्षा को देखा और कहा, तुम नहीं मानोगी ना? आकांक्षा ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, तो आप खाना खा रहे हैं ना? ये कहते हुए आकांक्षा श्लोक को अपने साथ नीचे डाइनिंग हॉल में ले आई। फिर उसने किचन से जाकर दो बाउल लाए जिनमें नूडल्स थे। श्लोक ने अपने सिर को ऊपर उठाया और आकांक्षा को देखकर कहा, तो तुमने ये अभी बनाए हैं? आकांक्षा ने अपने नूडल्स खाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, मुझे तो बहुत भूख लगी थी इसीलिए सोचा थोड़े आपके लिए भी बना दूं। ये कहते हुए वो नूडल्स को खा रही थी। श्लोक ने अपने बाउल की तरफ देखा जिसमें बहुत ज्यादा टेस्टी नूडल्स थे और वो खुद को उन्हें खाने से नहीं रोक पाया। खाना खत्म करने के बाद वो दोनों अपने कमरे में वापस आ गए जहाँ पर डॉक्टर ने कीर्ति को अच्छे से चेक करके उसकी ड्रेसिंग कर दी थी। साथ ही उसे एक आईवी ड्रिप भी लगी हुई थी। डॉक्टर ने श्लोक और आकांक्षा को देखकर कहा, मैंने ड्रेसिंग कर दी है और इंजेक्शन भी लगा दिया है। इन्हें शायद किसी तरह का स्ट्रॉन्ग ड्रग दिया गया था जिससे इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इनके शरीर की जांच करने पर पता चला है कि इन्हें किसी भी तरह की इंटरनल इंजरी नहीं हुई है, पर ऊपर चोट को देखकर मैं कह सकती हूँ कि इनके साथ कुछ बुरा होने वाला था जिसे शायद आप लोगों ने रोक लिया था।
लेकिन अब इनके होश में आने पर ही पता चल सकता है कि इनकी मेंटल हेल्थ कैसी है। इसीलिए आप लोगों को इनका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। ये कहते हुए डॉक्टर की नजर कीर्ति के मासूम और पीले पड़ चुके चेहरे पर थी। वो खुद बुरा महसूस कर रही थी। किसी भी लड़की को ऐसी हालत में देखना एक औरत के लिए आसान बात नहीं होती है। आकांक्षा ने कहा, हम ख्याल रखेंगे। कुछ दवाइयां देकर वो डॉक्टर वहां से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद आकांक्षा ने कमरे का दरवाजा बंद किया और मुड़कर देखा श्लोक बेड के किनारे बैठा था और कीर्ति के सिर को सहला रहा था। आकांक्षा ने श्लोक के पास पहुंचकर वहां बैठते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कीर्ति उस जगह कैसे पहुंची और उन लोगों से इसका किस तरह का कनेक्शन था। ये सुनते ही श्लोक की आंखें गहरी हो गई। उसने धीमी मगर कठोर आवाज में कहा, जो भी हो, जिसने भी मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत की है वो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। उसे अपनी जिंदगी गवाकर इस गलती की कीमत चुकानी होगी। श्लोक के उस डरावने ओरा को अपने पास महसूस करते हुए आकांक्षा का शरीर कांप रहा था। ये महसूस करते ही कि उसके बिहेवियर ने आकांक्षा को डरा दिया है, श्लोक ने खुद को नॉर्मल किया और एक गहरी सांस लेकर आकांक्षा की तरफ मुड़कर कहा, तुम कीर्ति के साथ ही रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आकांक्षा ने श्लोक का हाथ पकड़ा और कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसे श्लोक की थोड़ी देर पहले कही बातों को सुनकर बहुत घबराहट हो रही थी। श्लोक ने आकांक्षा को गले लगाया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ये कहकर उसने आकांक्षा को वहां छोड़ा और तेजी से कमरे से चला गया। आकांक्षा विंडो के पास खड़ी होकर श्लोक की कार को बाहर जाते हुए देख रही थी। कुछ पल तक वहां खड़े रहने के बाद वो मुड़ी और कीर्ति के पास जाकर लेट गई। बड़ी सी पहाड़ी के नीचे एक गुफा के अंदर श्लोक अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ एंटर हुआ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, गुफा में लगी हिडन लाइट्स जल रही थी, जिससे वहां पर उजाला होते जा रहा था। थोड़ी दूरी चलने के बाद श्लोक रुक गया और वहां लगी लिफ्ट से नीचे चला गया। लिफ्ट के रुकने पर श्लोक बाहर आया तो उसके सामने कुछ लोग खड़े थे। ये जगह मिट्टी की उस गुफा से बहुत अलग थी। ये जगह सफेद और नीली दीवारों से बनी थी। ऊपर सीलिंग पर लाइट लगी थी, जिससे उस जगह में रोशनी बढ़ रही थी। श्लोक ने बिना किसी भाव के अपने सामने खड़े लोगों को देखा और कहा, बोलो। विपिन, जो उन सबके बीच में खड़ा था, उसने अपने पैर को संभालते हुए कहा, सर, आकांक्षा मैम पर अटैक करने वाला लड़का सामने के कमरे में है और मिस कीर्ति पर अटैक करने वाले लोग दूसरे कमरे में है। श्लोक ने पहले कमरे में जाते हुए कहा, मेरी गन लाओ। ये कहकर वो उस बड़े से कमरे में एंटर हो गया, जहां एक लड़के को बांध कर रखा गया था और उसके शरीर से खून बह रहा था, जैसे उसे कब से टॉर्चर किया जा रहा हो। श्लोक को अपने सामने देखते ही उस लड़के का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, आपने मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। श्लोक ने उसके सामने वाली सीट पर बैठते हुए कहा, तुम कॉलेज के उस कमरे में क्या कर रहे थे? ये सुनते ही वो लड़का घबरा गया और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसको इस तरह चुप देखकर श्लोक का गुस्सा बढ़ने लगा था। उसने अपना हाथ पीछे किया, जिससे उसके पीछे खड़े आदमी ने श्लोक के हाथ में गन दे दी। अपने हाथ में पकड़ी गन को उस लड़के पर पॉइंट करते हुए श्लोक ने कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, जल्दी बता दो, तुम वहां क्या कर रहे थे? उस गन को देखकर वो लड़का घबरा गया और उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, मैं बताता हूँ, मुझे एक फोन आया था। वो कोई लड़की थी और उसने एक दूसरी लड़की की फोटो मुझे देकर कहा था कि मैं उसके साथ कुछ इंटीमेट फोटो क्लिक करके और उसे चोट पहुंचाकर वो फोटो किसी को भेज दूं। उसने मुझे उस इंसान का नंबर भी दिया था। उसके बाद उस लड़की ने घबराते हुए कहा, जब मैंने उस लड़की को परेशान किया और उसकी फोटो क्लिक करते समय उसका चेहरा देखा,
तो मैं खुद को काबू नहीं कर पाया और मैंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अपनी बात को खत्म करते ही उस लड़के को महसूस हुआ कि उस कमरे में ठंड बढ़ने लगी है। उसने सिर उठाकर जैसे ही सामने बैठे श्लोक के चेहरे को देखा, उसकी उन डरावनी आंखों को देखकर वो लड़का घबरा गया। विपिन ने उस कमरे में आते हुए कहा, सर हमने उस नंबर के बारे में पता कर लिया है जिसके बारे में ये लड़का बात कर रहा था, और जिस इंसान को वो फोटो भेजने को कहा गया था वो आपका ही नंबर था। विपिन की बात खत्म होते ही एक तेज गोली चलने की आवाज कमरे में गूंजी और सामने बैठा लड़का उस गोली की आवाज से बेहोश हो गया जो लगभग उसके चेहरे के पास से गुजरी थी। अग्निहोत्री मेंशन। सार्थक आउटडोर मीटिंग के लिए गया हुआ था और अभी अभी घर पहुंचा था। अंदर आते ही उसने देखा कि उसकी माँ परेशान होकर दरवाजे की तरफ देख रही थी। सार्थक को देखते ही मैनिका दौड़कर सार्थक के पास आई। मैनिका ने सार्थक का हाथ पकड़ते हुए कहा, सार्थक तुम्हें पता है कीर्ति कहाँ है? क्या उसने तुम्हें फोन किया? वो कल दोपहर से ही घर नहीं आई है। सार्थक ने मैनिका को सोफे पर बिठाया और कहा, मॉम आप चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। ये कहते हुए उसने पानी का ग्लास मैनिका की तरफ बढ़ा दिया। मैनिका की तेज आवाज सुनकर वसुंधरा जी, बड़ी अम्मा और सारा भी वहां आ गई थी। वसुंधरा जी ने मैनिका के पास बैठते हुए कहा, मैनिका क्या हुआ है? मैनिका ने अपनी आंसू भरी आंखों से वसुंधरा जी को देखा और कहा, दीदी कीर्ति कल से घर नहीं आई है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। जब वो गई थी तब भी वो काफी गुस्से में थी, पर मैंने देखा था कि उसका चेहरा थोड़ा परेशान दिख रहा था। वसुंधरा जी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम रुको मैं श्लोक से बात करती हूँ। ये कहते हुए वसुंधरा जी उठी और उन्होंने थोड़ी दूरी पर जाकर श्लोक को फोन लगाया। इधर श्लोक उन आदमियों की लाशों को देख रहा था जिन्होंने कीर्ति के साथ गलत करने की कोशिश की थी। उन सभी की मौत इतनी दर्दनाक थी कि श्लोक के साथ मौजूद लोग उस सीन को याद भी नहीं करना चाहते थे। एसिड से धीरे धीरे किसी के भी शरीर को जला देना सबसे बुरी मौत होती है। श्लोक ने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज चमक रहा था। तभी उसका फोन बजा। फोन पर अपनी माँ का नाम देखकर श्लोक ने जल्दी से उसे रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से वसुंधरा जी की परेशान आवाज आई। उन्होंने कहा, श्लोक कीर्ति कल से घर नहीं आई है, क्या तुम पता कर सकते हो कि वो कहाँ है? श्लोक ने एक ठंडी सांस ली और कहा, वो मेरे साथ है, आप चिंता मत करिए, और वो मेरे पास कैसे आई इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। वसुंधरा जी ने राहत की सांस ली और मुड़कर सबकी तरफ देखते हुए कहा, कीर्ति श्लोक के साथ है, आप सब चिंता मत कीजिए। सारा ने आंखें ऊपर चढ़ाई और कहा, पर वो कल से कहाँ थी? या आप लोग उसे इसी तरह बाहर घूमने देते हैं? बड़ी अम्मा ने घूर कर सारा को देखा और कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? सारा ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मैं ये नहीं कह रही कि उसका रात में बाहर जाना गलत है, पर मैंने कई बार उसे घर से छुपकर बाहर जाते हुए भी देखा है और वो बहुत अजीब लोगों से भी मिलती है, आप लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। सारा की इस बात को सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान बहुत गुस्सा हो चुका था। कीर्ति उनके लिए बहुत मायने रखती थी और उन्हें उस पर बहुत विश्वास था। सार्थक ने सारा को घूरते हुए कहा, एक शब्द और मेरी बहन के बारे में कहो फिर देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूं। सारा ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और उसी तरह सार्थक को घूरते हुए कहा, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम मेरा क्या करोगे। बड़ी अम्मा से अब और सब्र नहीं हो रहा था। उन्होंने सारा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए मेंशन के बाहर ले गई। उन्होंने सारा को धक्का देकर जमीन पर गिराया और कहा, हमारे घर से निकल जा, इतने दिन से तुम्हें अपने साथ हमने रखा क्योंकि मैंने कहा तुम्हें यहाँ लाई थी, लेकिन अब बस, तुमने हमारी कीर्ति के बारे में ऐसे अपशब्द कहे, अब तुमने हद कर दी है, गार्ड्स इसे अंदर मत आने देना।
ये कहकर बड़ी अम्मा घर के अंदर चली गई। एपिसोड 113, जेलस आरुषि और स्मार्ट विकी, जंगल वाला घर। आरुषि का चेहरा गुस्से से लाल था। वो कभी प्रशांत को देखती तो कभी उसके साथ बैठी लड़की को घूरती। आरुषि ने सैंडविच खाते हुए खुद से कहा, आखिर ये लड़की है कौन और ये आज यहाँ क्या कर रही है? देखो तो कितना मेकअप करके आई है, जैसे किसी की शादी में जा रही हो। अरे थोड़े बड़े कपड़े ही पहन लेती, ये भगवान इसे क्या बिल्कुल शर्म नहीं आती है? ये कहते हुए वो उस लड़की की शॉर्ट ड्रेस को देख रही थी। प्रशांत जो बिना किसी भाव के अपनी कॉफी पीते हुए लैपटॉप में कुछ देख रहा था, उसने कहा, ठीक है इसे साइन करो और कंपनी के साथ कोलैबोरेशन की मीटिंग रखो। हमारे नए मॉल की ओपनिंग नेक्स्ट वीक है, मैं वहां नहीं आऊंगा, इसीलिए वहां पर मिस्टर अरोड़ा को भेज देना। लड़की ने अपने बालों में उंगली घुमाते हुए कहा, ओके सर, पर मुझे लगता है हमें मीटिंग से जुड़ी चीजों को थोड़ा प्राइवेट जगह पर डिस्कस करना चाहिए, जहां और कोई ना हो डिस्टर्ब करने के लिए। वो ये सब सामने बैठी आरुषि को देखकर कह रही थी, जिसने हरे कलर का सूट पहना हुआ था। आरुषि को देखकर उस लड़की की आंखों में जलन की भावना साफ देखी जा सकती थी। आरुषि भी उस लड़की को घूर कर देख रही थी। प्रशांत ने बिना अपना सिर उठाए कहा, माया मैं इस समय ऑफिस से दूर हूँ, इसीलिए सारा काम तुम्हें और तुम्हारी टीम को ही संभालना है। मिस्टर अरोड़ा इन सब चीजों के बिल्कुल काबिल नहीं है। ये सुनते ही माया के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और कहा, यस सर। ये कहकर वो धीरे से प्रशांत की तरफ झुकने लगी। उसकी इस हरकत को देखते ही आरुषि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बिना सोचे समझे उसने अपने हाथ में पकड़े गरम गरम कॉफी के मग को माया के ऊपर फेंक दिया। शरीर पर हो रही जलन से माया की चीख निकल गई और उसने खड़े होकर आरुषि को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता ये तुमने क्या किया? माया की चीख सुनकर प्रशांत ने भी अपना सिर उठाकर आरुषि को देखा। इसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो कंफ्यूज्ड हो गया था कि आरुषि इतना गुस्से में क्यों है। तभी उसकी नजर माया पर गई और उसने पीछे खड़ी मेट से कहा, इन्हें वॉशरूम ले जाओ। मेड माया को अपने साथ वॉशरूम में ले गई। अब प्रशांत अपने हाथ बांधे आरुषि को देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो कि उसने माया पे कॉफी ही क्यों फेंकी थी। आरुषि को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो अपनी नजर झुकाकर चुपचाप बैठी हुई थी। हॉस्पिटल, विकी अपने फोन में गेम खेलते हुए एप्पल खा रहा था। उसका एक हाथ जिस पर पट्टी बनी थी अब थोड़ा ठीक हो चुका था। उसने बोर होते हुए खुद से कहा, यार मुझे हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं यहाँ से कब जा सकता हूँ? पता नहीं मैं भाई से मिला ही क्यों, ज्यादा चोट लगने पर भी मैं कभी हॉस्पिटल नहीं आया, पर उस हिटलर के कारण मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। वो खुद से बातें कर ही रहा था कि उसका फोन रिंग करने लगा। फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। कॉल रिसीव करके उसने जल्दी से कहा, क्या काम है? दूसरी तरफ से किसी ने कुछ शब्द कहे, जिसके बाद विकी ने फोन कट कर दिया और उठकर बेड से खड़ा हो गया। विकी ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और कमरे से बाहर निकलने लगा। तभी एक नर्स अंदर आई और उसने कहा, आप कहाँ जा रही हैं? आपको अभी डिस्चार्ज नहीं मिला है? विकी ने अपनी सख्त आवाज में कहा, मैं जा रहा हूँ और थोड़ी देर में आ जाऊंगा। विकी की उस कठोर आवाज को सुनकर नर्स डरकर साइड में हो गई। विकी ने जल्दी से दरवाजा खोला और वहां से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी बाइक पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी। वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर तेजी से अंदर चला गया। एक कमरे के सामने रुककर उसने दरवाजा नॉक किया। अंदर से किसी के द्वारा दरवाजा ना खोले जाने पर उसने खुद उसे खोला और अंदर चला गया। विकी ने देखा वहां पर कई सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे और कुछ लोग कंप्यूटर के पास बैठकर कुछ काम कर रहे थे। सबके माथे पर पसीना था और उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। किसी अनजान इंसान को वहां देखकर एक पुलिस ऑफिसर ने चिल्लाकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
अभी की अभी यहाँ से बाहर निकलो। विक्की ने उसकी तरफ देखा और उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। ऑफिसर, जो पहले से ही बहुत परेशान था, विक्की की इस हरकत से गुस्सा हो गया। उस ऑफिसर ने विक्की का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा यहाँ से जाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? विक्की ने एक नजर अपने हाथ की तरफ देखा और फिर सामने ऑफिसर की तरफ देखने लगा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, एसी भी वहां आए और उन्होंने जल्दी से उस ऑफिसर को दूर करते हुए विक्की से कहा, विक्रम तुम क्या कर रहे हो, यहाँ आओ। ये कहते हुए उन्होंने विक्की को अपने साथ खींचा और उसे एक बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन को दिखाते हुए कहा, विक्रम यहाँ देखो, किसी ने पुलिस का सारा डेटा हैक कर लिया है और वो उसे डाउनलोड कर रहा है। प्रोसेस लगभग 70% कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसे नहीं रोक पाए तो हर एक इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो सारी उस इंसान के पास पहुंच जाएगी। विक्रम, यू हैव टू डू समथिंग। विक्की ने ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखा और फिर चेयर खींच कर बैठ गया। उसने अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए कंप्यूटर को चलाना शुरू कर दिया। एसीपी को किसी अनजान लड़के की इस तरह मदद लेता देखकर सब उसी तरफ देखने लगे थे और उनके हाथ कंप्यूटर पर चलना बंद हो गए। वहां सिर्फ विक्की के कीबोर्ड की आवाज आ रही थी। जिन एक्सपर्ट को पुलिस की हेल्प के लिए बुलाया गया था वो विक्की के पीछे खड़े होकर ये देख रहे थे कि विक्की किस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। विक्की सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखते हुए कीबोर्ड पर हाथ चला रहा था। स्क्रीन पर दिख रहे अजीब से सिंबल गायब ही नहीं हो रहे थे और बार बार अलर्ट का सिग्नल आ रहा था। पीछे खड़े एक्सपर्ट्स ने देखा कि विक्की ने सारा डेटा और तेजी से भेजना शुरू कर दिया था। ये देखते ही एक इंसान की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो, हमें उसे रोकना है और तुम उसे सारा डेटा भेज रहे हो? अरे वो कोई क्रिमिनल हो सकता है और इसमें काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। विक्की ने बिना सिर उठाए सख्त आवाज में कहा, चुप रहो। वो आदमी चुप हो गया। थोड़ी देर बाद प्रोसेस 100% कंप्लीट हो गया और सारा डेटा उस इंसान के पास पहुंच गया जो पुलिस के कंप्यूटर्स को हैक कर रहा था। एक ऑफिसर ने परेशान होते हुए कहा, तुमने ये क्या किया है? विक्की ने अंगड़ाइयां ली और कहा, 5 मिनट रुकिए। ये कहकर वो अपने फोन में गेम खेलने लगा। वहां खड़े काफी सारे लोग गुस्से से उसे घूर रहे थे सिवाय एसीपी के, क्योंकि वो विक्रम को बहुत समय से जानते थे। 5 मिनट खत्म होते ही विक्की खड़ा हुआ और उसने बाहर जाते हुए कहा, आपका काम हो गया। ये कहकर वो उस कमरे से बाहर चला गया। सब हैरानी से मुंह खोले दरवाजे की तरफ देख रहे थे जो बंद हो चुका था। एक ऑफिसर ने एसीपी की तरफ देखा और कहा, आपने ये कैसे इंसान को बुलाया था, वो तो उल्टा हमारा काम और बिगाड़ कर चला गया। एक एक्सपर्ट जो पीछे खड़ा था इस समय विक्की की कंप्यूटर स्क्रीन के पास बैठ चुका था। उसने कहा, ये तो कमाल हो गया, उसने ये कैसे किया? ये कहते हुए वो अपनी चमकती हुई आंखों से स्क्रीन की तरफ देख रहा था। एसीपी ने उसकी तरफ देख कर कहा, विक्रम ने क्या किया है? एक्सपर्ट ने एक्साइटेड होकर कहा, उसने डेटा चोरी करने वाले इंसान के पास एक वायरस भेज दिया जिससे उसका खुद का कंप्यूटर या जिस भी डिवाइस को वो यूज कर रहा होगा वो ब्लास्ट हो जाएगा। उस डिवाइस के ब्लास्ट होने के पहले उस इंसान के कंप्यूटर का सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। देखिए प्रोसेस हो रहा है। 15 मिनट में वो जो भी था और उसके पास जितना भी डेटा था जिसमें उसके गुनाहों की या फिर और किसी चीजों के बारे में जानकारी होगी तो वो हमारे पास आ जाएगी। साथ ही कंप्यूटर्स को अब किसी भी तरह से कोई हैक नहीं कर सकता क्योंकि उस इंसान ने इसमें बहुत अच्छा सिक्योरिटी फंक्शन भी लगा दिया है। वो एक्सपर्ट विक्रम का फैन हो चुका था। उसने खड़े होते हुए कहा, मुझे उनसे एक बार मिलना है, आप बताइए वो कौन थे? एसीपी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो कोई खास नहीं था। ये कहते हुए उन्होंने सिर को घुमाकर अपने ऑफिसर्स की तरफ देखा जिन्होंने शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाकर रखा था क्योंकि उन्होंने अपने एसीपी पर भरोसा नहीं किया था। उस कमरे से बाहर आने के बाद विक्की वहां से जाने ही वाला था कि उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वो ध्यान से उस लड़की की तरफ देख रहा था
जो किसी फाइल को शेल्फ से निकालने की कोशिश कर रही थी। उस पुलिस यूनिफॉर्म में उसका फिगर काफी अट्रैक्टिव लग रहा था, उसकी गोरी गर्दन और गुलाबी होंठ विक्की को अच्छे से याद थे। वो उस फाइल वाले कमरे की तरफ बढ़ गया जहां पर वेदिका थी। वेदिका ने अपने हाथ पीछे किए और परेशान होते हुए खुद से कहा, ये फाइल इतनी ऊपर किसने रखी है? यहाँ पर कोई स्टूल भी नहीं है, अब मैं इसे कैसे निकालूं? उसने ये कहा ही था कि उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे कमर से पकड़कर हवा में उठा दिया है। बिना ये सोचे कि इस समय उसके साथ क्या हुआ है, वेदिका ने तेजी से वो फाइल अपने हाथ में ली और उसने मुस्कुराते हुए कहा, फाइनली मुझे मिल गई ये फाइल। तभी उसे एहसास हुआ कि किसी के मजबूत हाथों ने उसकी कमर को पकड़ रखा है और उसके पैर जमीन पर नहीं है। डरते हुए वेदिका ने अपना सिर नीचे झुकाया और उन नीली आंखों को देखते ही उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। विक्की ने वेदिका को नीचे खड़ा किया और कहा, क्या तुम किसी को थैंक यू नहीं बोलती हो? वेदिका, जो ध्यान से विक्की के मास्क वाले चेहरे को देखकर उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर तुम्हारी आवाज। ये कहते हुए वो सोचने लगी कि आखिर उसने उस इंसान को कहां देखा था। मास्क के पीछे विक्की मुस्कुरा रहा था। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर वेदिका की गर्दन में डाला और उसके चेहरे को अपने करीब खींचते हुए कहा, मैं तुम्हें याद दिला सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये कहते हुए उसने अपने दूसरे हाथ से अपना मास्क हटाया और वेदिका को किस कर लिया। वेदिका, जो ध्यान से उसके चेहरे को भी नहीं देख पाई थी, उसकी बातों को सुनकर उसे हॉस्पिटल में हुआ इंसिडेंट याद आ गया था और वो समझ गई कि ये लड़का वही था जिसने उसकी फर्स्ट किस चोरी की थी। वेदिका ने विक्की को धक्का देने की कोशिश की। विक्की ने उसे पीछे लगी दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर उसे किस करना जारी रखा। वो उसे डीप किस कर रहा था, पर वेदिका ने अपने होठों को कस के बंद करके रखा था। विक्की ने अपना एक हाथ वेदिका की गर्दन से नीचे ले जाते हुए उसकी कमर पर रखा और उसे चीमटी काट ली, जिससे वेदिका की चीख निकल गई। मौके का फायदा उठाते हुए विक्की ने अपनी जीभ उसके मुंह में एंटर कर दी। अपनी ठंडी जीभ पर उस गर्म एहसास को महसूस करते ही वेदिका का शरीर कांप उठा। कुछ ही पलों बाद वो खुद भी उस किस में इन्वॉल्व होने लगी। उनका किस इंटेंस और पैशनेट होते जा रहा था। दोनों के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज चल रही थी और दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि अचानक उस कमरे का दरवाजा खुला और किसी ने अंदर आते हुए कहा, वेदिका तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें फाइल लेने भेजा था और तुम अब तक नहीं आई। उस आवाज को सुनते ही वेदिका होश में आई। उसने जोर से अपना पैर विक्की के पैर पर मारा और उसे धक्का देकर कोने में खड़ा कर दिया। अब तक उसे ढूंढने वाला इंसान भी वहां पहुंच चुका था। वेदिका ने खुद को ठीक करते हुए कहा, हाँ मुझे मिल गई, वो बहुत ऊपर रखी थी। ये कहते हुए उसने अपना चेहरा नीचे झुका रखा था, क्योंकि वो अपने गुलाबी चेहरे और लाल होठों को किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। ऑफिसर, जिसका नाम अर्जुन था, उसने कहा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें बुखार है? ये कहते हुए अर्जुन ने अपना हाथ वेदिका के माथे पर रखा। वेदिका ने गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए वेदिका की पीठ थपथपाई और कहा, मुझे पता है तुम अपनी ड्यूटी के टाइम ठीक ही रहती हो। अच्छा चलो, हमें इस फाइल पर काम करना है। ये कहते हुए उसने वेदिका का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। वेदिका अपना एक कदम आगे बढ़ाने ही वाली थी कि इससे पहले ही उसे अपने दूसरे हाथ पर दबाव महसूस हुआ। वेदिका ने अपना सिर घुमाकर देखा तो विक्की उसे गुस्से में घूरते हुए उसका हाथ पकड़कर कोने में खड़ा था। उसकी नीली आंखों में दिख रहे गुस्से को देखकर वेदिका डर गई। उसने कहा, अर्जुन तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया और वो फाइल अपने साथ लेकर चला गया। दरवाजे के वापस बंद होते ही विक्की ने वेदिका को खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और उसका चेहरा अपने एक हाथ में पकड़ते हुए कहा, कौन था वो और उसने तुम्हें छूने की हिम्मत कैसे की? ये कहते हुए वो वेदिका को घूर रहा था।
वेदिका विक्की की बातों और हरकतों को और सहन नहीं कर पा रही थी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, वो जो भी हो तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरे साथ बार बार जबरदस्ती कर सकते हो? नहीं, दूर रहो मुझसे। विक्की ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वेदिका के चेहरे पर अपनी सांसें छोड़ी और कहा, यही तो प्रॉब्लम है कि मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसीलिए तुम्हें मेरे पास रहना ही होगा। एपिसोड 114, क्यूट और इनोसेंट आरुषि। अपने शब्दों को खत्म करते ही विक्की ने वापस वेदिका को किस कर लिया। ये किस उनकी पहली हुई दो किस से बहुत अलग थी। विक्की वेदिका के होठों को काट रहा था और उसके होठों को सक कर रहा था, जैसे वो इस तरह वेदिका को सजा देना चाहता हो। ये सब तब तक चलता रहा जब तक उन दोनों मुंह में खून का स्वाद नहीं आ गया। विक्की ने वेदिका के होठों से अलग होकर लंबी सांसें लेते हुए उसे देखा। वेदिका भी गहरी सांसें ले रही थी, उसके होठों के कोनों से खून बह रहा था और उसका चेहरा सांस न ले पाने के कारण लाल हो रहा था। वेदिका के होठों पर लगी खून को साफ करते हुए विक्की ने कहा, अपने दिमाग से ये ख्याल मिटा दो कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो। विक्रम नाम है मेरा, याद रखो, क्योंकि ये नाम तुम्हें जिंदगी भर सुनाई देने वाला है, इसकी आदत डाल लो। ये कहते हुए उसने वेदिका के माथे पर छोटी सी किस कर दी और इसके सिर को सहलाते हुए वहां से चला गया। वेदिका बंद दरवाजे को देख रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ क्या हुआ था। श्लोक का भला। दोपहर में श्लोक जब घर पहुंचा तो वो घर पूरी तरह खाली था। उसे पता था कि उसके टीम के सारे मेंबर्स एक मिशन के लिए बाहर गए हुए हैं। श्लोक सीधा सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसकी नजर बेड पर गई। श्लोक ने आंखें छोटी करके आकांक्षा को देखा, जिसका आधा सिर बेड के नीचे लटक रहा था और उसका मुंह खुला हुआ था। वो अपनी उल्टी पुल्टी पोजीशन में सो रही थी। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति शांति से एक तरफ लेटकर आराम से सो रही थी। अपने माथे पर हाथ रखते हुए श्लोक बेड की तरफ बढ़ा। उसने आकांक्षा को ठीक से लेटाया और उसके बालों को ठीक करते हुए कहा, पता नहीं ये लड़की कब ठीक से सोना सीखेगी। ये कहते हुए श्लोक की नजर कीर्ति पर गई और उसकी आंखें, जो थोड़ी देर पहले शांत थी, अचानक वापस गुस्से से भर गई। श्लोक उठकर वहां से जाने ही वाला था कि उसे अपने हाथ पर एक नाजुक सी पकड़ महसूस हुई। उसने सिर झुकाकर देखा। आकांक्षा उसका हाथ पकड़कर उसे देख रही थी। आकांक्षा ने अपनी नींद भरी आवाज में कहा, आप अब आ रही हैं? श्लोक ने उसके सिर पर टैप करते हुए कहा, तो तुम जाग रही थी? आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, जब आपने मुझे ठीक से लिटाया तब मेरी नींद खुल गई थी। ये कहते हुए उसने मुड़कर कीर्ति को देखा और कहा, ये अभी तक क्यों नहीं उठी है? श्लोक ने कहा, कीर्ति को काफी स्ट्रॉन्ग रख दिया गया था और दवाइयां भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसी कारण उसकी नींद अभी नहीं खुली है। तुम जाओ, फ्रेश होकर आ जाओ। आकांक्षा ने छोटे बच्चे जैसा मुंह बनाकर श्लोक की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं उठना। आहा भरते हुए श्लोक ने आकांक्षा को गोद में उठाया और वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहा, मैंने सच में तुम्हें बिगाड़ दिया है। आकांक्षा ने अपने दोनों हाथ श्लोक के गले में डाले और कहा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मुझे इतना ज्यादा मत बिगाड़िए, बाद में आपको ही परेशानी होगी, तो अब झेलिए। वॉशरूम का दरवाजा बंद होने के बाद कीर्ति ने अपनी आंखें खोलकर उस तरफ देखा। वो अभी भी बहुत ज्यादा हैरान थी। उसे ये तो पता था कि श्लोक का आकांक्षा से जरूर कोई रिलेशन है, पर उसने नहीं सोचा था कि वो दोनों इतना आगे बढ़ गए होंगे। खिड़की से आ रही धूप को देखते हुए कीर्ति सोचने लगी कि वो यहाँ कैसे आई। तभी उसे याद आया कि कल उसके साथ क्या हुआ था। फ्लैशबैक। घर से निकलने के बाद कीर्ति वापस उसी हॉस्पिटल में गई थी जहाँ पहले उसने इंटरव्यू दिया था। वहां के एक सीनियर डॉक्टर ने उससे वादा किया था कि वो उसे जॉब दिलाने और उसके फाइल से रेड मार्क हटवाने में मदद करेंगे। वो डॉक्टर हॉस्पिटल से कीर्ति को अपने साथ लंच पर ले गए। उसके बाद उस डॉक्टर ने उससे कई सारी बातें की। उसने कीर्ति से
उसकी पढ़ाई से रिलेटेड सवाल किए और उसके कॉलेज के बारे में भी पूछा। साथ ही उसने ये भी पूछा कि उसे वो रेड मार्क क्यों मिला था। कीर्ति ने उन्हें पूरा सच नहीं बताया था, पर उसने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी जिससे साबित हो सके कि उस ऑपरेशन में उसकी कोई गलती नहीं थी। सारी बातें जानने के बाद उस डॉक्टर ने गंभीर होकर कीर्ति से कहा, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो इसमें तुम्हारी मदद कर सकता है। उसने ऐसे कई केस हैंडल किए हैं क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स को उनकी गलती ना होने पर भी इस तरह की सजा भुगतनी पड़ती है। कीर्ति उसकी मीठी मीठी बातों में फंस गई थी और उसके साथ उस जगह पर चली गई थी जहां वो कह रहा था। होटल में पहुंचने के बाद कीर्ति ने देखा कि शाम हो गई थी। उसने कहा, अब मुझे जाना होगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। ये कहते हुए जब कीर्ति ने उस डॉक्टर की आंखों में देखा तो उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो उसी समय उस कमरे से भागने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाती, उस डॉक्टर ने कीर्ति को कमर से पकड़कर खींच लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। कीर्ति पूरी कोशिश करके उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उस डॉक्टर की ताकत के आगे उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और कमरे में 4-5 लोग एंटर हुए। उनमें से एक आदमी ने डॉक्टर से कहा, प्रभात क्या कर रहा है यार, तूने तो वादा किया था कि तू इस लड़की को हमें देगा और इसके बदले हम तुझे हॉस्पिटल का डीन बनाने में मदद करेंगे, और अब तू खुद इसके साथ मजे कर रहा है। प्रभात ने हंसते हुए कीर्ति को उन लोगों की तरफ धक्का दिया और कहा, मैं तो सोच रहा था कि इसे टेस्ट कर लूं, पर अब जब तुम लोग आ गए हो तो इसे अपने साथ ले जाओ। ये कहकर उसने अपनी टाई ठीक करते हुए कीर्ति से कहा, ये लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, पर कुछ भी हो तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। ये कहकर वो वहां से चला गया और वो लोग कीर्ति को अपने साथ पकड़कर एक पुरानी सी गली में ले गए जहां एक छोटे से घर में उन्होंने कीर्ति को बंद कर दिया था। कीर्ति को वहां से ले जाते समय उन लोगों ने उसे हैवी ड्रग के डोज दे दिए थे जिससे वो होश में नहीं थी। प्रेजेंट टाइम। इसके बाद कीर्ति को कुछ याद नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। डरते हुए उसने खुद के शरीर को देखा जो कई सारी खरोचों और जख्मों के निशान से भरा था। एक डॉक्टर होने के नाते वो समझ गई थी कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। गहरी सांस लेते हुए वो बिस्तर पर से खड़ी हो गई। उसे वॉशरूम से आकांक्षा के हंसने की आवाज आ रही थी जिसे सुनकर कीर्ति का चेहरा गुलाबी हो रहा था। वो तेजी से उस कमरे से बाहर चली गई क्योंकि वो इस कपल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। सीढ़ियों से नीचे उतरकर वो लिविंग रूम के सोफे पर जाकर बैठ गई और उसने टीवी ऑन कर दिया जिस पर न्यूज चल रही थी। कीर्ति ध्यान से उस न्यूज को देख रही थी कि अचानक वो न्यूज चेंज हो गई और वहां एक सेमिनार दिखाया जाने लगा जहां एक डॉक्टर को अवार्ड दिया जा रहा था। उस डॉक्टर का चेहरा देखते ही कीर्ति के हाव भाव बदल गए। होस्ट ने कहा, हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ एक यंग गायनेकोलॉजिस्ट है जिसने बहुत कम उम्र में काफी अच्छा काम किया है और उन्हें उनकी इस अचीवमेंट के लिए हमारी तरफ से अवार्ड दिया जा रहा है। डॉक्टर रिम, आप कुछ कहना चाहेंगी? रिम ने मुस्कुराते हुए माइक अपने हाथ में लिया और कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबने मुझे इतना ज्यादा सम्मान दिया। ये सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है जो मैं आज यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरी मेहनत के अलावा मेरे काफी सारे दोस्तों और परिवार वालों ने मेरा साथ दिया था, जिनका मैं नाम तो नहीं ले सकती लेकिन उन्हें दिल से शुक्रिया जरूर कह सकती हूँ। कीर्ति ने जल्दी से टीवी बंद कर दिया। रिंग की बातों से उसे अपने दिल में एक चुभन महसूस हो रही थी। जिस लड़की को उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था और हर कदम पर उसे गाइड किया था, उसी लड़की ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और आज जो अचीवमेंट कीर्ति के पास होनी चाहिए थी वो खुद उसे पाकर झूठी तारीफ की हकदार बन रही थी। ये सोचते हुए कीर्ति को गुस्सा आने लगा। कीर्ति ने टेबल पर रखे फूल के गुलदस्ते को जमीन पर फेंक दिया जिससे वो टूट गया। कीर्ति भूल गई थी कि इस समय वो अपने कमरे में नहीं बल्कि श्लोक के विला में है। वो अपने होश में आकांक्षा की आवाज से आई जो दौड़कर उसके पास आ रही थी। आकांक्षा ने कीर्ति के पास पहुंचकर उसे
गले लगाए और कहा, तुम कब उठी? क्या तुम ठीक हो? जब आकांक्षा और श्लोक वॉशरूम से बाहर आए थे और उन्होंने कीर्ति को वहां नहीं देखा था, तो ये नोटिस करके वो दोनों परेशान हो गए थे। डॉक्टर ने उन्हें पहले ही बताया था कि कीर्ति की मानसिक स्थिति उन्हें तभी अच्छे से पता चल सकती है जब वो होश में आ जाएगी, और कीर्ति की अभी की हरकत को देखकर उन्हें यही लग रहा था कि वो कल के हादसे से परेशान है। कीर्ति ने खुद को शांत किया और अपने चेहरे के भाव को छुपाते हुए कहा, मैं ठीक हूं। श्लोक ने आगे बढ़कर कीर्ति के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम सच में ठीक हो ना? अपने भाई की केयर और उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर कीर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जोर से श्लोक को गले लगाया और कहा, भाई, क्या आपने मुझे बचाया है? श्लोक ने कीर्ति के सिर को सहलाते हुए कहा, वो सब भूल जाओ, अब तुम ठीक हो और मेरे साथ हो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम वहां कैसे पहुंची। श्लोक ने उन शब्दों को सुनते ही कीर्ति के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। उसने खुद को श्लोक से दूर किया और अपनी नजरें नीचे झुकाकर कहा, कुछ नहीं भाई, मैं बस एक पार्टी में गई थी और कुछ लोगों ने। श्लोक ने घूरकर कीर्ति को देखा और अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, मेरी आंखों में देखकर सच बोलो। श्लोक की उन गुस्से भरी आंखों को देखकर कीर्ति डर गई। आकांक्षा ने उन दोनों के बीच में खड़े होकर श्लोक को घूरते हुए कहा, आपको समझ नहीं आ रहा है, वो पहले ही डरी हुई है और आप उसे और डरा रहे हैं। उसे परेशान मत कीजिए, जब देखो तब सबको घूरते रहते हैं। ये कहते हुए उसने कीर्ति को पानी दिया और कहा, इन पर ध्यान मत दो, अपने आप को शांत करो और फिर बताओ कि हुआ क्या था। कीर्ति मुंह खोले आकांक्षा को देख रही थी, जिसने श्लोक को डांटने की हिम्मत की थी, और फिर उसने अपने खड़ूस और कोल्ड ऑरा वाले भाई को देखा, जो चुपचाप आकांक्षा की बात सुन रहा था। जंगल वाला घर। प्रशांत अभी भी आरुषि को घूर कर देख रहा था, पर जैसे ही उसकी नजर आरुषि के झुके हुए चेहरे पर दिख रहे आंसू की बूंद पर गई, प्रशांत को अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। आरुषि का हाथ खींचते हुए उसने उसे अपनी गोद में बैठाया और उसका चेहरा अपने एक हाथ से ऊपर करते हुए उसे देखने लगा। आरुषि की आंखें आंसू से भरी हुई थी और वो मुंह बनाकर प्रशांत को देख रही थी। वो इस समय बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। प्रशांत ने आरुषि के गालों से आंसुओं को साफ किया और कहा, तुम रो क्यों रही हो? उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट थी, जिसे सुनकर आरुषि की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उसे इस तरह रोता देख प्रशांत घबराने लगा था। उसने कहा, ठीक है, चुप हो जाओ। इस बार उसने थोड़ी सख्त आवाज में कहा था, जिससे आरुषि तुरंत चुप हो गई, पर उसकी सिसकियां अभी भी निकल रही थी। आरुषि ने अपना सिर झुकाकर कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हुआ था। वो आपके पास आ रही थी, आप उसे यहाँ क्यों लाए हैं? उसे वापस भेज दीजिए। प्रशांत आंखें बड़ी बड़ी करके आरुषि को देख रहा था। आज से पहले उसने आरुषि का ये क्यूट और इनोसेंट साइड नहीं देखा था, जहां वो बेफिक्री से अपनी बातें कह रही थी। आरुषि को भी अंदाजा नहीं था कि उसने क्या कह दिया है। उसे बार बार माया का प्रशांत के करीब आना याद आ रहा था, जिससे उसका दिमाग खराब हो चुका था। ये सोचकर कि आरुषि को माया से जेलसी फील हो रही है, प्रशांत को अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। प्रशांत ने कहा, पर वो मेरे साथ काम करती है और ज्यादातर मैं उसी के साथ रहता हूँ। वो मेरा काम अच्छे से समझती है और मुझे उसके काम करने का तरीका भी पसंद है, तो मैं उसे यहाँ से नहीं भेज सकता। ये सुनते ही आरुषि को ऐसा लगा जैसे उसका दिल टूट गया हो। उसने प्रशांत को धक्का देने की कोशिश की और कहा, ठीक है, तो आप उसी के साथ रहिए और मुझे जाने दीजिए। ये कहकर वो प्रशांत की गोद से उठने की कोशिश करने लगी, पर प्रशांत की पकड़ आरुषि की कमर पर इतनी मजबूत थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। आरुषि ने चिढ़कर प्रशांत की तरफ देखा और कहा, अब आप मुझे जाने क्यों नहीं देते? प्रशांत ने अपना चेहरा आरुषि के चेहरे के पास लाकर अपनी सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम इतनी आसानी से मुझसे दूर जा सकती हो? मेरी जिंदगी में तुम अपनी मर्जी से जरूर आई हो, पर
पर तुम्हें मेरी जिंदगी से जाने का कोई हक नहीं, जब तक मौत नहीं आ जाती, समझी तुम? ये कहकर उसने आरुषि के होठों पर किस कर लिया। आरुषि इसके लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके प्रशांत की उन घनी पलकों को देखने लगी जो इस वक्त उसकी आंखों को ढक रही थी। उसके हाथ अपने आप ही प्रशांत की गर्दन के चारों ओर लिपट गए और वो उसके किस का रिस्पॉन्स देने लगी। ये महसूस करते ही कि आरुषि भी उसे किस कर रही है, प्रशांत उसे और डीपली किस करने लगा। उनका वो किस तब तक चलता रहा जब तक उन्हें अपने पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई नहीं दी। एपिसोड 115, हैरान कीर्ति। प्रशांत ने आरुषि को खुद से दूर किया और दोनों ने सिर घुमाकर पीछे खड़ी माया को देखा जो अपने सफेद चेहरे के साथ उन्हें घूर रही थी। उसके चेहरे के वो शॉक्ड एक्सप्रेशन देखकर आरुषि को एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। आरुषि के दोनों हाथ अभी भी प्रशांत के गले में थे और वो उसके बहुत करीब बैठी थी। आरुषि ने अपना सिर प्रशांत के सीने पर रखते हुए कहा, प्रशांत, क्या आपने इसे वॉशरूम जाने को नहीं कहा था? ये यहाँ क्या कर रही है? आप इसे यहाँ से भेज दीजिए, वरना चलिए हम रूम में चलते हैं। आरुषि ये सारी बातें बहुत ही सेडक्टिव तरीके से कह रही थी। प्रशांत हैरानी से आरुषि को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि वो लड़की क्या कर रही है। तभी उसकी नजर माया के लाल चेहरे पर गई और वो समझ गया कि आरुषि माया को चिढ़ा रही थी। ये सोचते हुए प्रशांत के दिमाग से एक ख्याल होकर गुजरा कि आरुषि ने आज पहली बार किसी के सामने उसका नाम लिया था। ये सोचकर प्रशांत के होंठ अचानक ही एक मुस्कान के साथ मुड़ गए, जिसे देखकर आरुषि और माया दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आरुषि को भी अब तक एहसास हो चुका था कि वो क्या कर रही है। उसने जल्दी से अपने हाथ पीछे खींचे और प्रशांत की गोद से उतरकर दौड़ती हुई कमरे में चली गई। प्रशांत उस रास्ते की तरफ देख रहा था जहां आरुषि गई थी। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने बिना माया की तरफ देखे कहा, हम कॉल पर बात करेंगे और अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो उठा और अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर आरुषि के कमरे की तरफ बढ़ गया। श्लोक का बिना। कीर्ति अभी भी हैरानी से श्लोक की तरफ देख रही थी जो आकांक्षा की बात सुनकर चुपचाप खड़ा था। उसने उसी हैरानी के साथ आकांक्षा को देखकर कहा, मुझे नहीं पता था भाई अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी बातें मानते हैं। श्लोक ने बिना किसी भाव के कहा, वो मेरी वाइफ है। कीर्ति, जिसने अभी पानी पिया था, वो सारा पानी उसके मुंह से बाहर आ गया और वो खांसने लगी। आकांक्षा ने कीर्ति की पीठ को सहलाते हुए कहा, तुम ठीक हो? आराम से पियो पानी। कीर्ति ने आकांक्षा की तरफ देखा। अब वो उसे और ज्यादा ध्यान से देख रही थी। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी पलके, गुलाबी काल, उसके लंबे लहराते कमर से नीचे तक आते बाल काफी सुंदर लग रहे थे। कीर्ति को अब आकांक्षा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कीर्ति ने जोर से आकांक्षा को गले लगाया और कहा, फाइनली मुझे मेरी भाभी मिल गई। आकांक्षा इसके लिए तैयार नहीं थी और वो कीर्ति के साथ सोफे पर गिर गई। दोनों लड़कियां एक दूसरे को गले लगाए हुए थी। कीर्ति ये जानने के बाद भी हैरान नहीं थी कि उसके भाई ने छुपकर आकांक्षा से शादी कर ली है। कीर्ति को इतना खुश देखकर श्लोक के होठों पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। श्लोक ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, ठीक है, जाओ फ्रेश होकर आओ, हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। ये सुनकर कीर्ति जल्दी से दौड़कर ऊपर वाले कमरे में जाने लगी, पर कुछ सीढ़ियां चढ़कर वो रुक गई। श्लोक और आकांक्षा अभी भी उसे ही देख रहे थे। आकांक्षा ने कहा, क्या हुआ? कीर्ति ने अपना सिर खुचलाते हुए कहा, वो तो आप दोनों का कमरा है और मेरे पास चेंज करने को कपड़े भी नहीं है। ये कहते हुए कीर्ति ने अपने कार्टून प्रिंटेड नाइट ड्रेस की तरफ देखा जो कि आकांक्षा का था। आकांक्षा मुस्कुराई और उसने आगे बढ़ते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी ड्रेस दूंगी, तुम अभी उसे पहन लेना, ओके? ये कहते हुए वो कीर्ति को अपने साथ ऊपर ले गई। थोड़ी देर बाद पायल की आवाज सुनकर
श्लोक ने सिर उठाया और वहां से आ रही लड़की को देखकर उसकी सांसें कुछ पल के लिए थम गई। श्लोक बिना पल के झपकाए सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। कीर्ति ने श्लोक के पास आकर उसकी आंखों के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, भाई कहाँ खो गए? भाभी अच्छी लग रही है ना? ये कहते हुए उसने भी आकांक्षा की तरफ देखा, जिसने रेड कलर की साड़ी पहनी थी। उसके हाथों में लाल चूड़ियां और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी थी और उसके कानों में बड़े बड़े झुमके थे। आकांक्षा के बालों को कीर्ति ने रोल किया था, जिस वजह से उसके बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। आकांक्षा के पैरों की पायल जो उसके चलने पर शोर कर रही थी, वो श्लोक के दिल की धड़कन को बढ़ा रही थी। आकांक्षा के श्लोक के सामने आकर खड़े होते ही श्लोक उसे और करीब से देखने लगा। उसकी घनी पलकें और उसके खूबसूरत सुर्ख लाल होठ उसे आकांक्षा की सुंदरता में खोने में मजबूर कर रही थी। कीर्ति ने अपने कदमों को पीछे लेते हुए कहा, मैं ब्रेकफास्ट करने जाती हूँ, आप लोग जल्दी आ जाना। ये कहकर कीर्ति डाइनिंग हॉल की तरफ भाग गई। आकांक्षा कीर्ति को वहां से जाते हुए देख रही थी। उसे पहले ही श्लोक के सामने आने में नर्वसनेस फील हो रही थी। उनके थर्ड मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के टाइम उन दोनों ने जो नाइट स्पेंड की थी, उसके बाद से वो एक दूसरे के करीब नहीं आए थे। और इस समय जिस तरह श्लोक उसे देख रहा था, उससे आकांक्षा को अपने दिल में एक अजीब सी गुदगुदी महसूस हो रही थी। आकांक्षा ने अपनी पलकों को नीचे झुकाया हुआ था। श्लोक ने अपनी दो उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर उठाया और कहा, क्या मेरी वाइफ आज कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं लग रही है? मैं सोच रहा हूँ हम कमरे में चले। वैसे भी मैंने बहुत टाइम से तुम्हारे ब्यूटीफुल लिप्स को किस नहीं किया है। श्लोक की बातों को सुनकर आकांक्षा के गाल टमाटर के जैसे लाल हो गए थे। उसने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, कीर्ति हमारा इंतजार कर रही है। श्लोक ने आकांक्षा की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा और अपने सिर को झुकाकर आकांक्षा की गर्दन के पास किस करते हुए कहा, ये तुम्हें इस तरह तैयार होने से पहले सोचना चाहिए था। अब जब तुमने इतनी बड़ी गलती कर ही दी है, तो तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। ये कहते हुए श्लोक ने आकांक्षा के होठों पर किस कर लिया। किस करते हुए वो उसे पीछे की तरफ धकेल रहा था, जिससे दोनों सीढ़ियों के नीचे आ गए थे, जहां उन्हें कोई नहीं देख सकता था। उस हल्के अंधेरे वाले कोने में आकांक्षा ने अपना सिर उठाकर श्लोक की तरफ देखा, जिसकी प्यार भरी नजरें आकांक्षा के चेहरे पर ही टिकी थी। श्लोक ने उसकी नोज पर किस करते हुए कहा, आज तुम कॉलेज नहीं जा रही हो ना? आकांक्षा ने कंफ्यूज्ड होकर कहा, हाँ, क्योंकि आज तो छुट्टी है। ये सुनते ही श्लोक की होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जिससे देखकर आकांक्षा को खतरे का एहसास होने लगा था। उसने श्लोक के साइड से निकलकर भागने की कोशिश की, तो श्लोक ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, ठीक है, फिर हम आज कुछ मजेदार करते हैं। ये कहते हुए श्लोक ने आकांक्षा को पीछे से गले लगाया और उसकी पीठ पर किस करने लगा, जिससे आकांक्षा सिहर रही थी। उसने अपनी आंखों को कसके बंद करके रखा था। दोनों अपने प्यार में खो ही रहे थे कि उन्हें कीर्ति की तेज आवाज सुनाई दी। कीर्ति हॉल में खड़े होकर चिल्ला रही थी। उसने कहा, भाई भाभी आप कहाँ हैं? कीर्ति की आवाज से आकांक्षा और श्लोक होश में आए। आकांक्षा ने श्लोक को धक्का दिया और कहा, ये क्या किया आपने? अब कीर्ति मेरे बारे में क्या सोचेगी? श्लोक ने आकांक्षा के बालों को ठीक करते हुए कहा, यही कि उसके भाई और भाभी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है। ये कहते हुए श्लोक ने उसे आंख मारी और वहां से निकल गया। आकांक्षा मुंह खोलकर उसे जाते हुए देख रही थी, फिर वो भी उसके पीछे चली गई। बाहर आकर उन दोनों ने देखा कि कीर्ति अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी थी। कीर्ति ने कहा, ठीक है, आप दोनों तो आए नहीं, इसीलिए मैंने अकेले ही ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ। ये सुनकर आकांक्षा ने परेशान होते हुए कहा, पर हमारी बात? इससे पहले कि आकांक्षा आगे कुछ कहती, श्लोक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कीर्ति की तरफ देखकर कहा, संभल कर जाना, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। कीर्ति ने कहा, भाई मैं आपसे थोड़ा सा गुस्सा हूँ, आपने इतनी बड़ी बात सबसे छुपा कर रखी है। श्लोक ने बिना किसी भाव के कहा,
अभी सही समय नहीं आया है। कुछ चीजें हैं जो अभी भी गलत है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मैं ये बात सबको बता दूंगा, इसीलिए तुम भी अभी किसी को कुछ मत बताना। कीर्ति ने हाँ में सिर हिलाया। उसे अपने भाई पर पूरा विश्वास था। श्लोक ने कीर्ति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताने से मत झिझकना। ये सुनकर कीर्ति की आंखें नम हो गई। उसने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं जाती हूँ। ये कहकर वो बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। आकांक्षा परेशान होकर दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसने अपना सिर उठाकर श्लोक को देखकर कहा, आपने उसे जाने क्यों दिया? आपको कीर्ति से पूछना चाहिए था कि वो उस जगह पर कैसे पहुंची थी। श्लोक ने शांत नजरों से आकांक्षा को देखकर कहा, वो ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। आकांक्षा ने घूर कर श्लोक को देखा और कहा, बकवास मत कीजिए, आप जानते हैं ना कल कीर्ति किस हालत में थी। श्लोक ने एक आह भरी। वो आकांक्षा को नहीं समझा पा रहा था कि उसने कीर्ति को अकेले क्यों जाने दिया। आकांक्षा का हाथ पकड़ते हुए श्लोक ने कहा, कुछ रास्ते हमें अकेले ही तय करने होते हैं, और वैसे भी कीर्ति अभी बताने को तैयार नहीं है कि वो सिचुएशन में कैसे फंसी थी, और मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता। आकांक्षा श्लोक की बात को समझ रही थी। उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, चलिए अब मैं भी चलती हूँ, मुझे स्टडी करनी है। ये कहकर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, श्लोक ने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा, आप कहाँ चली मिसेज अग्निहोत्री, अभी तो मैंने आपको ठीक से देखा भी नहीं है। ये कहते हुए वो आकांक्षा की ब्लाउज की डोरी से खेल रहा था। आकांक्षा ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, डॉक्टर साहब। आकांक्षा की उस मदहोश कर देने वाली आवाज को सुनकर श्लोक ने उसे अपनी बाहों में उठाया और सीढ़ियों की तरफ भरते हुए कहा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आकांक्षा ने हैरान होकर श्लोक की तरफ देखा और फिर जमीन की तरफ देखने लगी। उसे होश तब आया जब श्लोक ने उसे बेड के नरम गद्दे पर लिटा दिया। आकांक्षा ने जैसे ही उठने की कोशिश की, श्लोक ने आकांक्षा के ऊपर आकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसे ही यहाँ से जा सकती हो? ये कहते हुए श्लोक अपना सिर झुकाकर आकांक्षा की गर्दन पर किस कर रहा था। आकांक्षा की तेज सांसें श्लोक को बेकाबू कर रही थी। आकांक्षा की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए श्लोक ने उसे अपने ऊपर लिया और प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच बताओ, क्या मेरी वाइफ सच में मेरे लिए इतने अच्छे से तैयार नहीं हुई थी? ये कहते हुए उसका एक हाथ आकांक्षा के कर्ली बालों में घूम रहा था। आकांक्षा भी अब श्लोक की उन प्यार भरी नजरों को और सहन नहीं कर पा रही थी। आकांक्षा ने झुककर श्लोक के माथे पर और उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे हस्बैंड मुझे जाने देंगे, तो ये सवाल ही खड़ा नहीं होता कि मैं जाना चाहती हूँ या नहीं। श्लोक मुस्कुराया और उसने वापस आकांक्षा को अपने नीचे लेटाकर उसके चेहरे पर बेतहाशा किस करना शुरू कर दिया। वो उसके होठों के पास आकर रुका और आकांक्षा के गुलाबी चेहरे और बंद आंखों को देखने लगा। कुछ पल तक उसके चेहरे को निहारने के बाद श्लोक ने झुककर आकांक्षा के गुलाबी होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे डीपली किस करने लगा। एक दूसरे को इस तरह प्यार करते रहने के बाद उन दोनों की सांसें एक दूसरे में कब घुलने लगी उन्हें पता ही नहीं चला। आकांक्षा की तेज सांसें श्लोक को और एक्साइटेड कर रही थी। कम रोशनी वाले उस कमरे में दो लोगों की परछाई एक दूसरे को प्यार करती हुई दिखाई दे रही थी। आकांक्षा के नाखून श्लोक की खुली पीठ पर गड़ते जा रहे थे और श्लोक के लव बाइट्स आकांक्षा के बुरे शरीर पर बनते ही जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति श्लोक के विला से टैक्सी लेकर एक होटल की तरफ निकल पड़ी। होटल में पहुंचकर वो एक कमरे में गई जहां एक इंसान उसका इंतजार कर रहा था। अंदर पहुंचकर कीर्ति ने देखा एक हैंडसम लड़का अपने सिर को झुकाए न्यूज़पेपर की तरफ देख रहा था, जिसमें एक लड़की को अवार्ड मिलते हुए फोटो छपी थी। वो लड़की उस फोटो में बहुत अच्छी मुस्कान के साथ सामने दिख रही थी। उस लड़के ने न्यूज़पेपर को अपने हाथों में मरोड़ा और उसे दूर फेंक दिया। कीर्ति अपने हाथ फोल्ड करके उसी की तरफ देख रही थी।
जब उस लड़की को एहसास हुआ कि कोई उसे कब से घूर रहा है, तो उसने अपना सिर उठाकर देखा और कीर्ति को वहां देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो लड़का खड़ा हुआ और कीर्ति के पास पहुंचकर उसने कीर्ति की दोनों बाजू पकड़ ली। फिर वो कीर्ति को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसने परेशान होते हुए कहा, तुम ठीक हो? क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया? कीर्ति ने उसके दोनों हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है? देखो, शायद किसी निशान से तुम्हें ये पता चले कि उन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है या नहीं। ये कहते हुए कीर्ति ने अपना टॉप उतार कर जमीन पर फेंक दिया। उस लड़के ने कीर्ति की इस हरकत पर उसे घूरते हुए देखा और कीर्ति को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे इससे फर्क पड़ता है कि तुम्हें किसी ने छुआ है या नहीं? तुम्हें कोई नहीं छू सकता मेरे सिवा। किसी का हक नहीं है तुम्हें छूने का। एपिसोड 116, आखिरी मुलाकात। उस लड़की की उन बातों को सुनकर कीर्ति की आंखों में आंसू आ गए थे। कीर्ति ने उसके सीने पर पंच मारते हुए कहा, तो तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? और अब इस तरह मुझे ब्लैकमेल करने का क्या मतलब है? वो तुम थे जिसने मुझे मुसीबत में अकेला छोड़ा था। तुमने मेरा साथ तब छोड़ दिया था जब मुझे तुम्हारे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने उस न्यूज़पेपर को क्यों फेंका? उसमें तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फोटो छपी है ना? देखो, रिम को अवार्ड मिला है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने बहुत अच्छी सर्जरी की है और वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। तुम बताओ मैं क्या हूँ? मुझे किसी भी हॉस्पिटल में एक नर्स की जॉब भी नहीं मिल रही है, सिर्फ इस कारण क्योंकि मैंने तुम लोगों पर विश्वास किया था। ये सब कहते हुए कीर्ति की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जो उसके सामने खड़े इंसान के दिल को दर्द पहुंचा रहे थे। उस लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कीर्ति के आंसू पहुंचने की कोशिश की। तभी कीर्ति ने अपनी उंगली उसे दिखाते हुए कहा, बस शुभम, मुझसे दूर रहो। तुम्हें क्या लगता है तुम दोबारा मेरी जिंदगी में आकर ये कहोगे कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो और मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी? ठीक है, चलो मान लेते हैं हम वापस पहले जैसा सब कर देंगे, पर क्या तुम मुझे मेरी वही लाइफ वापस दिला सकते हो? मेरा वो सम्मान जो मैंने खोया था, मेरा डॉक्टर बनने का सपना, क्या तुम उसे वापस पहले जैसा कर सकते हो? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अभी खुद को तुम्हें सौंप देती हूँ। ये कहते हुए कीर्ति अपने बाकी के बचे कपड़ों को हटाने लगी। शुभम ने उसका हाथ पकड़कर अपना सिर दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, बस करो कीर्ति, तुम मुझे कितना गिल्टी फील करवाओगी? मुझे पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। कीर्ति ने एक कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ शुभम के चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तुमने उस बात को अपने कानों से सुना तब तुम्हें विश्वास हुआ। तुम्हें मेरे शब्दों पर यकीन नहीं था। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक झूठी लड़की थी। हमारा रिश्ता झूठ था और हमारा प्यार भी झूठ था। शुभम, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, बेहतर होगा तुम भी आगे बढ़ जाओ। रिम तुमसे बहुत प्यार करती है और इसने तुम्हारे प्यार के लिए ही मेरी जिंदगी को इस हद तक बर्बाद किया है, तो तुम उसके इतने सारे एफर्ट्स कैसे वेस्ट जाने दे सकते हो? तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। ये कहते हुए कीर्ति वहां से जाने लगी। तभी शुभम ने कीर्ति का हाथ पकड़कर खींचा और उसे दीवार से सटाकर जबरदस्ती किस करने लगा। कीर्ति शुभम के इस मूव के लिए तैयार नहीं थी। वो झटपटाते हुए खुद को शुभम से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वो जितना छूटने की कोशिश करती, शुभम की पकड़ उतनी ही मजबूत हो जाती। थोड़ी देर बाद कीर्ति ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया और शुभम के गले में हाथ डालते हुए वो उस किस में उसका साथ देने लगी। उसके आंसुओं की कड़वाहट उनकी किस को दर्द से भर रही थी जो उन्हें अपने दिल में महसूस हो रहा था। शुभम कीर्ति को पैशनेटली किस कर रहा था। वो कीर्ति से एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहता था। अवार्ड सेरेमनी के बाद रिम ने काफी ज्यादा शराब पी ली थी और शुभम उसे संभालते हुए घर छोड़ने जा रहा था। घर पहुंचने के बाद रिम ने शुभम से अपने प्यार का इजहार किया था और जब शुभम ने उसे ये कहा कि वो आज भी कीर्ति से प्यार करता है, तो गुस्से में रिम ने उसे सारा सच बता दिया था कि कैसे उस प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी के समय उसने जानबूझकर ज्यादा मात्रा की दवाई
उस प्रेग्नेंट लेडी को दे दी थी, जिससे उस लेडी की मौत हो गई थी और उसका इल्जाम उसने कीर्ति पर लगा दिया था। शुभम को ये सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने कीर्ति पर विश्वास क्यों नहीं किया था। कीर्ति को जब एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है, तो उसने जोर से शुभम को धक्का दिया और अपने होठों को साफ करते हुए कहा, नहीं, दोबारा नहीं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने हर जगह, यहाँ तक कि कॉलेज के ग्रुप में भी ये बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ था। तुम्हें उस समय बिल्कुल बुरा नहीं लगा और अब तुम्हें मुझसे हमदर्दी हो रही है। ये सब झूठ है, तुम झूठे हो शुभम। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तुम्हें तो सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए थी और अभी भी तुम्हें वही चाहिए। अगर ऐसा है तो तुम्हें जितना और जो करना है कर लो मेरे साथ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर प्लीज उसके बाद मुझे जाने दो। ये कहते हुए कीर्ति ने अपने दोनों हाथ शुभम के आगे जोड़ लिए। शुभम ने अपनी लाचार नजरों से कीर्ति की तरफ देखा। वो कीर्ति के दिल से प्यार करता था, उसकी बॉडी से नहीं। उन दोनों की लव स्टोरी पूरे कॉलेज में फेमस थी, पर एक गलत फहमी ने आज उसे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। शुभम ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और कहा, ठीक है तो चलो। ये कहकर वो कमरे के अंदर चला गया। कीर्ति अपने दिल में एक तेज दर्द को महसूस कर रही थी। उसने नहीं सोचा था कि शुभम उसकी इस बात को मान जाएगा, पर अब जब कीर्ति ने खुद ये कहा था तो वो पीछे नहीं हट सकती थी। अपने आप को मजबूत करते हुए वो शुभम के पीछे जाने लगी। कीर्ति ने देखा उस बड़े से बेडरूम में पहुंचने के बाद शुभम ने अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ फेंक दी। कीर्ति के सामने शुभम की मस्कुलर बॉडी और सिक्स एब्स वाला फिगर था। उसके हैंडसम फेस के साथ उसकी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। कुछ पल के लिए कीर्ति उसमें खो ही गई थी कि तभी उसे शुभम की आवाज ने होश में लाया। शुभम बेड पर बैठा हुआ था। उसने एक गंदी सी मुस्कुराहट के साथ कीर्ति को देखा और अपनी एक उंगली आगे करके उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। कीर्ति अपने दिल में बढ़ती हुई कड़वाहट के साथ शुभम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो बेड के पास पहुंची, शुभम ने कीर्ति का हाथ पकड़कर खींच लिया, जिससे कीर्ति बेड पर गिर गई। अब शुभम उसके ऊपर था। वो कीर्ति के लाल चेहरे को देख रहा था, जो काफी देर तक रोने के कारण लाल पड़ गया था। शुभम ने कीर्ति की दोनों आंखों पर किस करते हुए कहा, ये तुम्हारा फैसला है और मैं वादा करता हूँ इसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा कीर्ति। ये कहते हुए उसके होंठ कीर्ति के पूरे फेस पर चल रहे थे। कीर्ति ने अपने दोनों हाथों से बेडशीट को पकड़ा हुआ था। वो खुद को अपना कंट्रोल खोने से रोक रही थी, क्योंकि उसने अपने दिल में कई सालों से जो प्यार शुभम के लिए छुपा के रखा था, वो शुभम की करीबी बाहर ला रही थी, जो कीर्ति बिल्कुल नहीं चाहती थी। शुभम भी अच्छे से महसूस कर सकता था और वो यही चाहता था कि कीर्ति अपने अंदर छुपे हुए प्यार को बाहर लाए। उसका एक हाथ कीर्ति की गर्दन से फिसलते हुए उसकी चेस्ट की तरफ जा रहा था। इस बात को महसूस करते ही कीर्ति ने अपनी आंखें खोलकर शुभम के चेहरे को देखा, जो एक टक उसे ही निहारे जा रहा था। उस एहसास को महसूस करते ही जो उसके शरीर पर हो रहा था, कीर्ति के होठों से आह निकल गई। वो अभी भी लगातार शुभम की आंखों में देखे जा रही थी और हर बीतते पल के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थी। शुभम ने झुककर कीर्ति की चेस्ट पर किस करना स्टार्ट कर दिया। अब कीर्ति से और कंट्रोल नहीं हो रहा था और उसके होठों से अपने आप ही शुभम का नाम निकल गया था। शुभम मुस्कुराया और उसने कीर्ति की फ्लैट टमी पर अपने होठों को फिराते हुए कहा, तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो क्यों तुम्हारा शरीर मेरे छूने से रिएक्ट कर रहा है? क्यों तुम मुझसे दूर नहीं जा पा रही हो? क्यों तुम्हारे होठों से मेरा नाम बार बार निकल रहा है? ये कहते हुए उसका एक हाथ कीर्ति के पैरों के पास जा रहा था। कीर्ति ने जोर से अपनी नाम में गर्दन हिलाई और कहा, शुभम रुक जाओ। शुभम ने अपने हाथों को नहीं रोका और कहा, मुझे बताओ, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं रुक जाऊं? क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? क्या इतने सालों तक जो हमारे बीच था वो सब झूठ था? क्या तुमने मेरा इंतजार नहीं किया जिस तरह मैं कर रहा था? बोलो कीर्ति। कीर्ति की आंखों के आगे धुंधलापन छा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुभम क्या कह रहा है। उसने तेजी से अपनी गर्दन हां में हिलाई और कहा, तुम सही कह रहे हो, हां मैं तुमसे प्यार करती हूं,
मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाई और शायद भुला भी नहीं सकती, पर जो जख्म तुमने मुझे दिए हैं वो मुझे तुम्हें फिर से अपनाने से रोक रहे हैं, और इस बार मैं वो सब दोबारा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें अपना दिल दोबारा नहीं तोड़ने दूंगी शुभम। ये कहते हुए कीर्ति शुभम को धक्का देने की कोशिश करने लगी। शुभम ने कीर्ति के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उसे बेड में पुश करते हुए उसकी गर्दन पर बेतहाशा किस करने लगा। ये सब तब तक चलता रहा जब तक कीर्ति उन सब में उसका साथ नहीं देने लगी। प्यार, नफरत, धोखा और सच्चाई के उस उधेड़ बुन में कीर्ति ने कब खुद को शुभम को सौंप दिया उसे नहीं पता चला। कुछ घंटों बाद जब कीर्ति की नींद खुली तो उसने अपने आप को शुभम की बाहों में पाया। उन दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो दोनों एक पतली सी चादर से कवर थे। कीर्ति ने प्यार से शुभम के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि क्यों जिंदगी ने दोबारा हमें ये मौका दिया, पर इस बार नहीं, तुम्हें समझना होगा शुभम, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मैं एक लूजर हूँ और तुम एक सक्सेसफुल डॉक्टर हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी असफलता तुम्हारे नाम के साथ जुड़े, इसीलिए यही अच्छा होगा कि मैं तुमसे दूर चली जाऊं। हमारा एक दूसरे के करीब आना इत्तेफाक नहीं था। उस समय जब वो डॉक्टर मुझे अपने साथ किसी इंसान से मिलाने ले जा रहा था, तब तुमने मुझे वहां आकर समझाया था कि मैं उसके साथ ना जाऊं, पर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। मैं जानती थी कि तुम मेरा पीछा करोगे और तुमने वो किया, लेकिन तुम सही समय पर मुझे नहीं बचा पाए। और मैं ये भी जानती थी कि तुम मुझे बार बार हॉस्पिटल जाकर जॉब ढूंढने से रोकने के लिए परेशान करोगे और मुझे मिलने बुलाओगे, पर ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। अब मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आऊंगी। ये कहते हुए कीर्ति ने शुभम के माथे पर किस किया और अपने कपड़े पहनकर वहां से चली गई। श्लोक का विला। आकांक्षा जब सोकर उठी तब तक शाम हो चुकी थी। उसने अपना सिर ब्लैंकेट से बाहर निकाला और अपनी आंखों को मलते हुए आसपास देखा। उसके शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसे अपने साइड में शांति से सो रहे इंसान को देखकर गुस्सा आने लगा। उसने जोर से श्लोक को लात मारी जिससे वो जमीन पर गिर गया। अचानक से जमीन पर गिरने से श्लोक की भी नींद खुल गई और वो आकांक्षा की तरफ देखने लगा जो गुस्से में उसे ही घूर रही थी। श्लोक ने उससे एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वो जानता था कि इसमें उसकी ही गलती थी। वो आकांक्षा के थक जाने के बाद भी और उसके बार बार रोकने के बाद भी वो बिल्कुल भी उससे प्यार करने से नहीं रुक रहा था और वो बहुत ज्यादा वाइल्ड हो गया था, जिस कारण आकांक्षा लगभग बेहोश हो चुकी थी। श्लोक ने उसे तब तक प्यार करना बंद नहीं किया था जब तक आकांक्षा ने बुरी तरह रोते हुए उससे खुद को छुड़ाने की भीख नहीं मांगी थी। अपनी हरकतों को याद करते हुए श्लोक को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने आकांक्षा की तरफ देखा जिसका ब्लैंकेट उसके शरीर से थोड़ा सा हट गया था और उस पर दिख रहे लाल और नीले निशान उसे और बुरा फील करवा रहे थे। श्लोक ने बेड पर बैठकर आकांक्षा के बालों में हाथ फेराते हुए कहा, सॉरी मैं फिर से। इसके आगे वो कुछ कहता इससे पहले ही आकांक्षा ने अपने हाथ में तकिया पकड़ा और उसे श्लोक के ऊपर फेंक कर कहा, मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए। क्या करूंगी मैं सॉरी का? क्या आपको पता है मुझे कितना पेन हो रहा है? मैंने आपको कितनी बार कहा कि रुक जाइए, मुझे पेन हो रहा है, मैं थक गई हूँ। पर नहीं, आपको तो अपने मन की ही करनी थी। अब मैं कल कॉलेज कैसे जाऊंगी? मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ये कहते हुए आकांक्षा थोड़ी परेशान दिख रही थी। उसे इस तरह देखकर श्लोक तुरंत वहां से चला गया। आकांक्षा दरवाजे की तरफ देख रही थी जिससे निकलकर श्लोक बाहर जा चुका था। अब उसे और गुस्सा आ रहा था। एक तो श्लोक ने उसे इतना परेशान किया और अब वो उसे मनाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। ये सोचते हुए आकांक्षा ने अपने हाथों में तकिए को कसके पकड़ा, पर अपने हाथों में हो रहे दर्द को महसूस करते ही उसने वो तकिया छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद श्लोक अपने हाथ में एक मेडिकल बॉक्स लेकर अंदर आया। उसने दरवाजा अच्छे से बंद किया और आकांक्षा के पास बैठकर कहा, मुझे दिखाओ। आकांक्षा ने खुद को ब्लैंकेट से कवर किया और कहा, नहीं मुझे दे दीजिए, मैं खुद लगा लूंगी। आकांक्षा का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। वो अपने शरीर पर बने निशानों को श्लोक को नहीं दिखाना चाहती थी। श्लोक ने घूर कर आकांक्षा को देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर
ब्लैंकेट को खींच लिया। आकांक्षा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका शरीर कांप रहा था। श्लोक ने देखा उसकी गोरी स्किन पर कई जगह काटने और लव बाइट्स के निशान बने हुए थे, जो अब नीले होने लगे थे। उसका शरीर उन निशानों से अच्छा नहीं दिख रहा था। एपिसोड 117, प्रशांत और आरुषि मीटिंग में। ये सोचते हुए कि उसकी प्यारी चुहिया उसके कारण इतने ज्यादा दर्द में है, श्लोक ने खुद को डांटा और अपने हाथ में एक ऑइंटमेंट लेकर आकांक्षा के शरीर के उन हिस्सों पर लगाने लगा जहां लव बाइट्स के निशान थे। श्लोक के हाथों की छुअन से आकांक्षा के शरीर का तापमान बढ़ गया था। उसकी सांसें अब तेज होने लगी थी। आकांक्षा में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी नजरें उठाकर श्लोक को देख सके, क्योंकि इस समय उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। श्लोक बिना किसी भाव के आकांक्षा के शरीर पर दवाई लगा रहा था। जब श्लोक आकांक्षा के पैरों पर दवाई लगा रहा था तो आकांक्षा ने अपने पैरों को आपस में जोड़ लिया। श्लोक ने अपनी धीमी आवाज में कहा, आकांक्षा तुम्हारे पैरों पर काफी निशान है, दवा लगाने दो प्लीज। आकांक्षा की बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ना में गर्दन हिलाई। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि श्लोक ऐसा कुछ करे। श्लोक ने उसे फोर्स नहीं किया और उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया। वॉशरूम से बाहर जाते हुए श्लोक ने कहा, मैं बाहर ही हूँ, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो बुला लेना। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आने के बाद आकांक्षा ने देखा कि श्लोक कमरे में नहीं था। आकांक्षा को श्लोक का वो चेहरा अच्छे से याद था जब वो उसे वॉशरूम में छोड़कर जा रहा था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया था। ये सोचते हुए आकांक्षा श्लोक को ढूंढने कमरे के बाहर जा ही रही थी कि बाहर से दरवाजा खुल गया। आकांक्षा ने देखा श्लोक अपने हाथ में एक ट्रे लेकर खड़ा था। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा उदास था। श्लोक ने आकांक्षा को देखा, जिसने एक सिंपल वाइट कलर की फ्रॉक पहनी थी। उसके गीले बाल एक जूड़े में बंधे थे, जिनसे पानी टपक कर उसकी गर्दन से होते हुए उसके शरीर के बाकी हिस्सों पर फैल रहा था। नहाने के कारण आकांक्षा का चेहरा हल्के गुलाबी रंग में बदल गया था और उसके चेरी जैसे सॉफ्ट गाल देखकर श्लोक को उन्हें बाइट करने का मन कर रहा था। अपने दिमाग में आ रहे वाइल्ड ख्यालों को दूर झटकते हुए श्लोक ने आकांक्षा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वापस अंदर ले गया। श्लोक ने आकांक्षा को बेड पर बिठाया और उसके साइड में बैठते हुए उसे सूप पिलाने लगा। आकांक्षा श्लोक के चेहरे को देखते हुए वो सूप पी रही थी। उसे उस सूप का स्वाद थोड़ा अलग लग रहा था, जिससे आकांक्षा समझ गई थी कि श्लोक खुद उसके लिए वो सूप बनाकर लाया। आकांक्षा उससे कुछ कहना चाहती थी, पर इस समय उसे कोई शब्द नहीं मिल रहे थे जिससे आकांक्षा उन दोनों के बीच की चुप्पी को तोड़ सके। वो बात करने के लिए कोई टॉपिक ढूंढ ही रही थी कि श्लोक ने कहा, सॉरी, मेरे कारण तुम इतने पेन में हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहूं। क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? आकांक्षा ने श्लोक के हाथ पर अपना हाथ रखा और एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने आपको कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि आप मेरा मरहम है, जो मेरी हर चोट, चाहे वो शरीर की हो या दिल की, उसे भर देता है। बात सिर्फ इतनी है कि शायद मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर रही हूँ, या फिर मुझ में वो काबिलियत नहीं है कि मैं आपको खुश कर सकूं। ये कहते हुए आकांक्षा की आंखों से आंसू बह गए। आकांक्षा के आखिरी शब्दों को सुनकर श्लोक की उदास आंखों में गुस्सा दिखने लगा। उसने जोर से आकांक्षा के कंधों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दोबारा ये कहने या सोचने की हिम्मत भी मत करना कि मेरी वाइफ मेरे लिए किसी भी तरह से कम है। तुम हमेशा अपने बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम ऐसे शब्दों को कहकर मुझे बुरा फील करा रही हो। रिश्ता हम दोनों का है और इसे हमें साथ में निभाना है, पर अगर तुम अपने आप को इस तरह ब्लेम करोगी तो ये सिर्फ एक तरफा रह जाएगा। आकांक्षा, तुम में कभी कोई कमी नहीं थी और शायद कभी हो भी नहीं सकती, पर मैं काफी जगह पर गलत हूँ। जो एहसास मुझे तुम्हारे साथ महसूस होते हैं, मैं उनमें इस तरह खो जाता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ कि उसमें तुम भी शामिल हो और तुम्हारी मर्जी भी जरूरी है। पर मैं वादा करता हूँ, आगे से कभी भी तुम खुद पर और मुझ पर शक नहीं करोगी, और ना ही हमारे रिश्ते पर।
ये कहते हुए श्लोक लगातार आकांक्षा की आंखों में देखे जा रहा था, जो अब आंसुओं से भीग चुकी थी। आकांक्षा ने अपनी रुआस आवाज में कहा, तो इसमें गलत क्या है? आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, कितने अच्छे डॉक्टर हैं, आप लोगों की इतनी मदद करते हैं, पर मैं क्या हूँ? डॉक्टर साहब, मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर क्यों आपने मुझे चुना? हमारा मिलना इत्तेफाक था, और हमारे बीच जो इस रात हुआ वो एक मजबूरी थी, पर इस वक्त हम साथ हैं, इसका क्या कारण है? ये कहते हुए आकांक्षा को अपने दिल में तेज दर्द महसूस हो रहा था, पर वो अपने रिश्ते के सच को भी जानना चाहती थी। भले ही वो दोनों एक दूसरे से अलग एहसासों को महसूस करते थे, पर उनका दिल एक दूसरे के लिए धड़का था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें थीं जो आकांक्षा को डरा देती थी, जैसे वो एक दिन श्लोक को खो देगी। आकांक्षा के रोते हुए चेहरे को देखकर श्लोक को बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपनी पकड़ आकांक्षा के कंधों पर ढीली की और उसे धीरे से गले लगा लिया। आकांक्षा के माथे को चूमते हुए श्लोक ने कहा, क्योंकि सिर्फ तुम हो जो मुझे समझ सकती हो। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। तुम वो हो जो हमेशा मेरे साथ रहोगी। हमारा मिलना इत्तेफाक नहीं था, हमें हमारी किस्मत ने मिलवाया है। उस रात जो हुआ वो मेरी गलती थी, पर उस समय जब मुझे ड्रग्स दिए गए थे तब तुम मेरे पास ही थे, इसीलिए मैं खुद को और नहीं रोक पाया था। तुम जानती हो ना, मैंने तुमसे कहा था कि तुम लौट जाओ, पर वो तुम थी जो मेरी मदद करना चाहती थी। तो क्या वो गलत था? नहीं आकांक्षा, जहाँ फीलिंग्स होती हैं वहाँ कुछ गलत नहीं होता। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, पर जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुम मेरे दिल में बस गई थी, और जैसे जैसे समय बीतता रहा तुम्हारी शरारतें, तुम्हारा भोलापन, तुम्हारे सारे डर और तुम्हारी मासूमियत ने मेरे दिल में एक अलग जगह बना ली थी, और अब तुम वहां से कभी नहीं निकल सकती। और भूल कर भी कभी ये मत कहना कि वो एक गलती थी, क्योंकि उस गलती के कारण आज हम साथ हैं। तो मेरी प्यारी वाइफ, ज्यादा मत सोचो और आराम करो। आकांक्षा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे पढ़ाई करनी है, मैंने कहा था ना मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। श्लोक ने परेशान होकर आकांक्षा की तरफ देखा और कहा, पर तुम्हारी तबीयत? आकांक्षा ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं ठीक हूँ, और अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे प्यारे डॉक्टर हस्बैंड है ना मुझे ठीक करने के लिए। ये कहते हुए उसने श्लोक को गले लगा लिया। अगली सुबह, जंगल वाला घर। प्रशांत अपना फॉर्मल सूट पहनकर लिविंग रूम में बैठा था। उसकी आज एक बिजनेस मीटिंग थी जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, पर माया, जिसे वो अपने साथ ले जाने वाला था, वो अभी तक नहीं आई थी। समय देखकर प्रशांत का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। उसने जोर से अपना हाथ टेबल पर पटका और साइड में खड़े बॉडीगार्ड से कहा, माया कहाँ है? बॉडीगार्ड बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि आज प्रशांत उसके पुराने और डरावने लुक में दिखाई दे रहा था। उसने अपनी हकलाती आवाज में कहा, सर, वो कल ही इस जगह को छोड़कर चली गई थी। ये सुनते ही प्रशांत की आंखें छोटी हो गई, और उसे याद आया कि कल क्या हुआ था। आरुषि के बारे में सोचते ही उसके चेहरे के डरावने भाव थोड़े कम हो गए। प्रशांत ने कहा, तो ये मीटिंग कौन हैंडल करेगा? अपने शब्द को खत्म करते ही प्रशांत को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। प्रशांत ने सिर उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा, और उसकी सांसें कुछ पल के लिए थम गई। गुलाबी रंग की साड़ी में वो लड़की बहुत सुंदर दिख रही थी। उसके लंबे बाल कंधे के एक तरफ थे, और उसके कानों में बड़े बड़े झुमके थे। फोटो पर पिंक लिपस्टिक और उसकी आंखों का हल्का सा काजल उसे और सुंदर बना रहा था। प्रशांत उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसकी नजर आरुषि की पतली कमर पर जाकर रुक गई, जो उसके साड़ी के पल्लू से झांक रही थी। प्रशांत को पता ही नहीं चला कि आरुषि कब उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आरुषि ने प्रशांत और बॉडीगार्ड की बातें सुन ली थी। आरुषि ने थोड़ा डरते हुए कहा, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? प्रशांत ने होश में आते हुए कहा, और वो तुम कैसे करोगी? आरुषि ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है, मुझे उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है। अगर मैं आपकी मदद कर पाई तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्रशांत तो आरुषि की उस मुस्कान को देखकर ही पागल हो चुका था। उसने बिना देरी किए हाँ में गर्दन हिला दी।
आरुषि के साथ बाहर जाकर समय बिताने का इससे अच्छा मौका प्रशांत के लिए और क्या हो सकता था। प्रशांत ने बिना किसी भाव के आरुषि को देखकर कहा, ठीक है चलो। आरुषि को विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रशांत इतनी जल्दी मान गया। उसे लगा था कि वो उसे डांट देगा। थोड़ी देर बाद दोनों कार में बैठकर उस जंगल से बाहर निकल गए। आरुषि खिड़की के बाहर घने जंगल की हरियाली को पीछे छूटता हुआ देख रही थी, जिसमें वो कई दिनों से रह रही थी। अब वो खाली सड़कों पर थे और थोड़ी देर बाद लोगों के बीच उनकी कार पहुंच चुकी थी और तेजी से सड़क पर चल रही थी। आरुषि अपनी चमकती हुई आंखों से आसपास चल रहे लोगों को और गाड़ियों को देख रही थी। इतने समय बाद दुनिया से रूबरू होना एक अलग ही फीलिंग होती है, और आरुषि ये महसूस कर रही थी। प्रशांत जब से गाड़ी में बैठा था तब से उसकी नजर आरुषि पर ही थी। वो उसकी आंखों की मासूमियत और एक्साइटमेंट को अपने अंदर महसूस कर सकता था। प्रशांत का मन कर रहा था कि वो आरुषि को पूरी दुनिया घुमाने ले जाए। कार रुकने पर प्रशांत ने आरुषि से कहा, चलो। आरुषि जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, प्रशांत की आवाज से वो होश में आई और हाँ सिर हिलाते हुए उसके साथ बाहर चली गई। बाहर आकर आरुषि ने देखा वो लोग एक बड़े से होटल के बाहर खड़े थे। वो होटल बहुत ज्यादा महंगा और लग्जूरियस दिख रहा था, जिसके अंदर जाने से उसे डर लग रहा था। प्रशांत ने आरुषि के अंदर के डर को महसूस कर लिया और उसके छोटे से हाथ को अपने हाथ में पकड़कर आगे बढ़ने लगा। आरुषि अपना सिर उठाकर उसके हैंडसम फेस को देख रही थी, जिस पर अभी भी कोई भाव नहीं थे, पर वो उसके हाथों से आ रही गर्माहट से अपने दिल में डर को कम होता हुआ महसूस कर सकती थी। उसने प्रशांत के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की और अपना सिर उठाकर प्रशांत के साथ चलने लगी, और इस बात को महसूस करते ही प्रशांत के होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। उन दोनों के आसपास कई सारे बॉडीगार्ड्स चल रहे थे और वो पूरा होटल खाली था। आरुषि होटल की खूबसूरती में खोए हुए आसपास देखे जा रही थी। उसने आज से पहले कभी इतना बड़ा होटल नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद वो लोग बड़े से दरवाजे से होकर एक वीआईपी रूम में पहुंच गए, जहां पर कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे। अंदर जाते ही प्रशांत का शांत और नरम चेहरा वापस कठोर हो गया। प्रशांत को देखते ही वहां मौजूद सारे लोग खड़े हो गए। उन लोगों ने प्रशांत से हाथ मिलाया और बैठकर मीटिंग करने लगे। आरुषि की स्किल्स काफी अच्छी थी। प्रशांत ने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी उस काम को संभाल लेगी। असल में आरुषि ने भी वो फाइल पहले एक बार पढ़ी थी, इसीलिए उसे एक्सप्लेन करने में ज्यादा मेहनत नहीं लग रही थी, और उसकी प्रोफेशनल स्किल्स उसे इस काम को आसान बनाने में मदद कर रही थी। सभी लोग बहुत ध्यान से आरुषि की बातें सुन रहे थे, और खास करके सारे आदमी आरुषि की खूबसूरती में खो गए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तब दूसरी कंपनी के मैनेजर ने आरुषि से कहा, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आपने जिस तरह सब कुछ एक्सप्लेन किया, हमें आपके सारे प्रोजेक्ट समझ आ गए और हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। साथ ही आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ये कहते हुए मैनेजर ने अपना हाथ आरुषि की तरफ बढ़ा दिया। वो काफी देर से आरुषि को घूरे जा रहा था। आरुषि ने प्रशांत की तरफ देखा, जो घूर कर उस मैनेजर और उसकी टीम को देख रहा था। अब प्रशांत को एहसास हुआ था कि वो लोग कब से आरुषि को घूर रहे थे, और ये देखकर उसकी आंखें लाल होते जा रही थी। उसने जोर से आरुषि का हाथ पकड़ा और कहा, शी इज माई गर्लफ्रेंड, उससे दूर रहो। प्रशांत की ठंडी आवाज में दी गई वार्निंग बहुत ज्यादा डरावनी थी, जिससे वहां मौजूद बाकी लोग अपने आप को कांपता हुआ महसूस कर रहे थे। वो सभी लोग आंखें बड़ी करके आरुषि को देख रहे थे। प्रशांत का नाम आज तक किसी भी लड़की के साथ नहीं जुड़ा गया था। लोगों का तो ये कहना था कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, पर ये देखकर कि उसके पास इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की है, अब उन लोगों को प्रशांत से चलन हो रही थी। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सच में बहुत लकी हैं जो आपको इतनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड मिली। वो अपनी नजरें आरुषि से हटा ही नहीं पा रहा था। सिंपल पिंक साड़ी में आरुषि एक गुलाब के फूल की तरह लग रही थी, जो अभी अभी खिला हो।
और ऐसी ब्यूटी को कोई कैसे देखे बिना रह सकता था। ये देखकर कि वो मैनेजर अभी भी आरुषि को देख रहा था, प्रशांत का गुस्सा बढ़ने लगा था। वो उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा, हम ये डील नहीं कर रहे हैं। एपिसोड 118, प्रशांत ने की आरुषि के साथ जबरदस्ती। ये कहते हुए प्रशांत ने आरुषि को अपने साथ खींचा और उस कमरे से बाहर आ गया। मैनेजर और बाकी लोग हैरान होकर दरवाजे की तरफ देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके कानों ने अभी क्या सुना था। ये डील उन लोगों के लिए बहुत जरूरी थी। अगर वो इस डील को साइन किए बिना अपनी कंपनी में वापस गए तो उनका बॉस जरूर उन्हें निकाल देगा। ये सोचते हुए वो लोग दौड़कर प्रशांत के पास जाने लगे, पर प्रशांत के साथ मौजूद बॉडीगार्ड्स ने उन्हें रोक दिया था। आरुषि ने पीछे देखते हुए कहा, आपने ऐसा क्यों किया? वो डील तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी ना। प्रशांत आरुषि को एक कमरे में ले गया जो सिर्फ उसके लिए रिजर्व्ड रहता था। प्रशांत ने आरुषि को दीवार से सटाकर खड़ा किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए क्या जरूरी होना चाहिए, तुम या उन लोगों की नजरें जो तुम पर थी? तुम्हें जरूरत क्या थी इतना तैयार होकर मेरे साथ आने की? या फिर तुम इसीलिए मेरे साथ आई थी ताकि तुम दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको? क्या मेरे दिए पैसे तुम्हें कम पड़ रहे हैं? या जिस तरह की लाइफ में तुम्हें दे रहा हूँ वो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, जो अब तुम्हें दूसरा इंसान चाहिए? आरुषि को प्रशांत की बातें बहुत बुरी लग रही थी और उसके शब्दों को सुनकर आरुषि की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसके दिल में प्रशांत की जो अच्छी और साफ छवि थी वो उन बुरे शब्दों को सुनकर बदलती जा रही थी। आरुषि ने अपनी आंसू भरी आंखों से प्रशांत को देखकर कहा, आपका कहने का मतलब क्या है? क्या मैं आपको एक ऐसी लड़की दिखती हूँ जो अपनी बॉडी पैसे के लिए बेच सकती है? अगर ऐसा है तो मैं पहले ही अपनी बॉडी आपको दे चुकी हूँ, और वैसे भी एक बार बिक चुका सामान वापस नहीं होता है, है ना? ये कहते हुए उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। प्रशांत को आरुषि की वो मुस्कुराहट बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसने आरुषि के गालों को जोर से पकड़ा और अपना चेहरा उसके पास ले जाते हुए कहा, सच कहा तुमने, तुम सिर्फ मेरी हो, इसीलिए खबरदार जो किसी और को देखने की या किसी के पास जाने की सोचे भी तो मैं तुम्हारी सोच को भी मार डालूंगा। ये कहते हुए प्रशांत ने अपने होठ आरुषि के होठों पर रख दिए और उसे रूडली किस करने लगा। वो आरुषि के होठों पर बाइट कर रहा था। प्रशांत इस समय बहुत गुस्से में था और उसे अपना गुस्सा शांत करने के लिए सिर्फ यही रास्ता दिख रहा था। आरुषि बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी क्योंकि उसने अभी खुद ही कहा था कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, इसीलिए वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। प्रशांत आरुषि के होठों से तब अलग हुआ जब आरुषि को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। आरुषि से अलग होकर प्रशांत ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ बढ़ गया। वो आज आरुषि पर अपना पूरा हक चाहता था ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि आरुषि सिर्फ उसकी है। प्रशांत उसके पूरे शरीर पर सिर्फ अपना एहसास चाहता था। ये सोचते हुए उसकी आंखें गहरी होती जा रही थी। आरुषि का प्रशांत की आंखें आज बहुत अलग दिख रही थी और अब उसे प्रशांत से डर लग रहा था। प्रशांत ने जैसे ही उसे बेड पर लिटाया, आरुषि वहां से उठने लगी, लेकिन तभी प्रशांत ने उसे अपने नीचे दबा लिया। आरुषि के दोनों हाथ बेड में पुश करते हुए वो उसकी गर्दन और कॉलरबोन पर किस करने लगा। प्रशांत बहुत वाइल्डली उसे किस और बाइट कर रहा था। आरुषि की वो पतली सी साड़ी उसके फिगर को बहुत अच्छे से शो कर रही थी, जिस कारण प्रशांत अपना कंट्रोल खो रहा था। आरुषि अपनी आंखों के कोनों से बह रहे आंसुओं को महसूस करते हुए उस दर्द को सह रही थी जो प्रशांत उसे दे रहा था। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद प्रशांत आरुषि के साइड में लेट गया। उसने अपनी आंखों को बंद करके रखा था क्योंकि उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। अपना सिर घुमाते हुए प्रशांत ने आरुषि को देखा जो अब तक बेहोश हो चुकी थी। उसके सफेद चेहरे और उसके शरीर के निशानों को देखकर प्रशांत को बहुत बुरा लग रहा था। प्रशांत ने जैसे ही आरुषि के शरीर को छुआ, आरुषि का शरीर रिएक्ट करते हुए उससे दूर होने लगा।
जैसे प्रशांत के पास आने से वो बेहोशी में भी डर रही हो। 15 दिन बाद आज आकांक्षा के एग्जाम्स खत्म हो गए थे और वो बहुत ज्यादा खुश थी। विला पहुंचकर उसने देखा लिविंग रूम के सोफे पर श्लोक बैठा हुआ था। वो तेजी से उसके पास गई और बिना कुछ कहे श्लोक की गोद में बैठ गई। आकांक्षा ने कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ। श्लोक ने आकांक्षा के गालों को सहलाया और कहा, और तुम क्यों खुश हो? आकांक्षा ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, एग्जाम्स खत्म हो गए और हमारे वेकेशंस शुरू हो गए हैं, चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं। श्लोक ने अपने सामने रखी फाइल्स और लैपटॉप को देखकर कहा, नहीं मुझे बहुत काम है। आकांक्षा ने श्लोक की गोद से उठते हुए कहा, काम काम काम, आपको काम से शादी करनी चाहिए थी। जब से हमारी शादी हुई है आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। जब हम जर्मनी थे तब भी आप मुझे कहीं नहीं ले गए थे। यहाँ आकर भी आप मुझे सिर्फ एक बार बाहर ले गए थे। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ये कहते हुए आकांक्षा अपना बैग उठाकर कमरे की तरफ बढ़ गई। श्लोक ने परेशान होकर सीढ़ियों की तरफ देखा। विद्या भक्ति, जो आकांक्षा के साथ ही कॉलेज से आई थी, उन्हें अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर हंसी आ रही थी। विद्या ने भक्ति के कान में कहा, तुम्हें नहीं लगता बॉस का जो कोल्ड और डरावना ऑरा था अब वो बहुत ज्यादा कम हो गया है? मैम के सामने तो सर एकदम भीगी बिल्ली बन जाते हैं। देखो वो किस तरह सर पर चिल्लाकर चली गई। अगर हमारी टीम में से या सर के ऑफिस में से किसी ने ऐसा बिहेव किया होता तो अब तक तो वो इंसान या तो जमीन पर मरा पड़ा होता या उसे ऑफिस की बिल्डिंग से फेंक दिया गया होता। भक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, प्यार सच में लोगों को कुछ ज्यादा ही बदल देता है। वो दोनों अपनी बातों में इतना खोई हुई थी कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि श्लोक अपने हाथ बांधे उन्हीं की तरफ देख रहा था। विपिन, ग्रे और नीना जो सामने के सोफे पर बैठे थे, उन्होंने लाचार होकर विद्या और भक्ति की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी बातों में खोई हुई थी। नीना ने ग्रे से कहा, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों के साथ क्या होगा? ग्रे ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तो चाहता हूँ बॉस कोई अच्छी सी सजा बताए ताकि मैं इन दोनों को टॉर्चर कर सकूं। ये कहते हुए वो उन दोनों की तरफ देखने लगा। विद्या भक्ति से कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी उन्हें एक ठंडी आवाज सुनाई दी। श्लोक ने कहा, मुझे लगता है तुम दोनों कॉलेज जाकर गॉसिप करना सीख गई हो। शायद तुम्हें किसी मिशन पर जाने की जरूरत है। उस डरावनी आवाज को सुनते ही दोनों ने जल्दी से आवाज की दिशा में देखा और श्लोक को देखते ही उनका शरीर अपनी जगह जम गया। उन्होंने जल्दी से अपना सर नीचे झुका लिया। श्लोक उन दोनों से आगे कुछ कहने ही वाला था। आकांक्षा ने सेकंड फ्लोर की रेलिंग के पास खड़े होकर कहा, विद्या भक्ति ऊपर आओ। उसने श्लोक को उन दोनों को घूरते हुए देख लिया था और वो समझ गई थी कि श्लोक उन्हें जरूर कोई सजा देने वाला है। श्लोक भी अपना सिर उठाकर आकांक्षा की तरफ ही देख रहा था। आकांक्षा ने श्लोक को घूरा और मुंह बनाते हुए वापस कमरे में चली गई। श्लोक ने मुड़कर विद्या और भक्ति की तरफ देखते हुए कहा, तो तुमने अपने लिए एक प्रोटेक्शन ढूंढ ली है, जो कि मेरी वाइफ है। विपिन, नीना और ग्रे श्लोक की तरफ देख रहे थे, जो किसी को भी एक चुटकी में गायब कर सकता था। लेकिन अपनी वाइफ के कारण दो छोटी लड़कियों को सजा भी नहीं दे पा रहा था। विद्या और भक्ति दौड़कर सीढ़ियों से ऊपर चली गई। वो अपने प्रोटेक्टर को थैंक यू कहना चाहती थी। श्लोक ने विपिन, ग्रे और नीना से कहा, सीरियस हो जाओ। अगर मैंने तुम लोगों की मजाक वाली मुस्कुराहट देखी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि उदासी क्या होती है। ये सुनकर वो तीनों अपना अपना काम करने लगे। श्लोक भी अपने बचे हुए काम को करने लगा। अग्निहोत्री कॉरपोरेशन, सार्थक अभी अभी एक बोर्डिंग मीटिंग अटेंड करके बाहर निकला था। सार्थक ने देखा उसके पिता मुस्कुराते हुए उसका इंतजार कर रहे थे, जो काफी दिनों से बाहर गए हुए थे। कैलाश जी ने सार्थक को गले लगाते हुए कहा, मैंने सुना मेरा बेटा काफी अच्छे से काम कर रहा है, अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक दिन ये कंपनी तुम्हारी होगी। सार्थक, जो अपने पिता से मिलकर खुश हो रहा था, उनकी बातों को सुनकर गुस्सा हो गया। सार्थक ने कैलाश जी से अलग होते हुए कहा, क्या आपको सिर्फ यही बात याद रहती है कि आपको मेरी मेहनत नहीं दिख रही है?
कैलाश जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम अभी बच्चे हो, इसीलिए तुम्हें ये सब अभी समझ नहीं आएगा। सार्थक ने ना समझी में उनकी तरफ देखा। कैलाश जी ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिसके बाद तुम्हें जल्दी सब समझ आ जाएगा। ये कहते हुए वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ गए। कैबिन का दरवाजा अच्छे से लॉक करने के बाद उन्होंने अपना फोन निकाला और डार्क वर्ल्ड के वेब पेज पर चैटिंग करने लगे। उन्होंने वहां मैसेज टाइप किया। 3 दिन बाद ये लिखकर उन्होंने उस वेबसाइट को बंद किया और अपना सिर कुर्सी से टिकाकर बैठ गए। एक खतरनाक प्लान जो उन्होंने तैयार किया था वो बहुत कुछ खत्म करने वाला था। इधर सार्थक के कैबिन में सार्थक ने कीर्ति का नंबर डायल किया जो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसने फोन को टेबल पर रखते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़की 15 दिनों से कहां गायब है, ना फोन उठा रही है ना मैसेज का जवाब दे रही है। कीर्ति प्लीज किसी मुसीबत में मत पड़ना। ये कहते हुए सार्थक खिड़की के बाहर देखने लगा। शिमला, एक बड़े से होटल रूम की विंडो के पास खड़े होकर एक लड़की अपनी खाली आंखों से बाहर गिरती हुई बर्फ को देख रही थी। कीर्ति ने अपने दोनों हाथों से खुद को गले लगाया। वो उस होटल से निकलने के बाद उस शहर को छोड़ चुकी थी। दिल्ली शहर अब उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, जहां उसकी कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादें रह गई थी, और वो इंसान जो उसे फिर से अपना बनाना चाहता था वो भी वहीं रह गया था। कीर्ति शुभम से इतना दूर चली जाना चाहती थी कि वो उसकी परछाई भी ना ढूंढ सके। कीर्ति ने अपने फोन की तरफ देखा जो 15 दिनों से बंद था। उसने एक नया सिम कार्ड अपने फोन में डालते हुए एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक मीठी सी आवाज आई। हेलो, कौन बोल रहा है? कीर्ति ने कहा। भाभी। कीर्ति की आवाज को पहचानते ही आकांक्षा ने कहा, कीर्ति तुम कहाँ हो? मुझे बताओ, क्या तुम ठीक हो? तुम किसी परेशानी में तो नहीं हो? आकांक्षा को उस दिन से ही कीर्ति की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि उस दिन के बाद ना उसने कीर्ति को देखा था ना उसकी कीर्ति से बात हुई थी। आकांक्षा की अपने लिए इतनी फिक्र देखकर कीर्ति के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं ठीक हूँ और इस वक्त मैं दिल्ली में नहीं हूँ। मैं थोड़ा टाइम अकेली रहना चाहती थी, इसीलिए बाहर घूमने आई हूँ। कुछ पल शांत रहने के बाद कीर्ति ने कहा, भाभी मुझे आपकी मदद चाहिए। आकांक्षा ने सीरियस होते हुए कहा, तुम्हें मेरी किस तरह से मदद चाहिए? कीर्ति ने आकांक्षा को सब कुछ समझा दिया, जिसके बाद आकांक्षा बुरी तरह हैरान हो गई। उसे होश में आने में थोड़ा टाइम लगा। आकांक्षा ने कहा, मैं ये कर तो दूंगी, पर इससे फायदा क्या होगा? कीर्ति ने एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, बस आप मेरा इतना काम करवा दीजिए। आकांक्षा ने हाँ कहा और थोड़ी देर बाद दोनों ने फोन कट कर दिया। फोन कट करने के बाद कीर्ति ने अपने फोन में शुभम की फोटो को देखते हुए कहा, मुझे लगता है अब तुम मुझे जरूर भूल जाओगे। अपने शब्दों को खत्म करते ही कीर्ति को ऐसा लगा जैसे उसे चक्कर आ रहे हो और उसके पेट में कुछ हलचल हो रही हो। वो तेजी से वॉशरूम की तरफ भागी और उल्टी करने लगी। अपने चेहरे को अच्छे से साफ करने के बाद कीर्ति ने खुद को आईने में देखा। वो काफी बीमार लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हो गए थे, उसके होंठ सूख चुके थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अपनी ऐसी हालत देखकर कीर्ति को खुद पर गुस्सा आने लगा, इसीलिए वो जल्दी से चेंज करके बाहर घूमने निकल गई, ये सोचकर कि शायद शिमला की खूबसूरत वादियां उसके दिमाग से शुभम की यादों को मिटा दे। श्लोक का बिना। इस समय शाम हो रही थी। श्लोक एक कमरे में अकेला लैपटॉप के सामने बैठा था। वो कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था और वहां सिर्फ लैपटॉप स्क्रीन की लाइट में श्लोक का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने कुछ टाइप किया जिसके बाद डार्क वर्ल्ड का वेब पेज ओपन हो गया। वहां उसे कैलाश जी का मैसेज दिखाई दिया। 3 दिन बाद ये पढ़ते ही श्लोक की आंखें घेरी हो गई। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई। वो जानता था कि उसके चाचा कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसके बाद बहुत कुछ खराब होने वाला था। गहरी सांस लेते हुए श्लोक ने कुछ इंस्ट्रक्शंस उन लोगों को दे दिए जो उस काम को करने वाले थे, ताकि उन्हें लगे कि वो उनके साथ ही है। साथ ही सावधानी के लिए उसने
अपने कुछ लोगों को उस मिशन में शामिल होने का ऑर्डर भी दे दिया था। इतना सब करने के बाद श्लोक लैपटॉप ऑफ करने ही वाला था कि उसकी पर्सनल आईडी पर एक मैसेज आया। श्लोक ध्यान से स्क्रीन को देख रहा था। उसकी डॉक्टर SA वाली आईडी पर आज तक कोई मैसेज नहीं आया था, क्योंकि वो हमेशा ब्लॉक रहती थी और उसे ओपन कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। ये सोचकर कि उसकी आईडी में इंटरफेयर करके कोई उसे मैसेज कर रहा है, श्लोक को उस मैसेज में इंटरेस्ट आने लगा था। एपिसोड 119, खुदगर्जी। श्लोक ने जल्दी से मैसेज ओपन किया जिसमें लिखा था, क्या तुमने कुछ सोचा है? श्लोक ने मैसेज भेजने वाले के नाम की तरफ देखा, जहां पर सिर्फ पी बना था। उसने टाइप किया, Who are you? दूसरी तरफ से फिर मैसेज आया, 3 दिन बाद क्या तुम जानते हो क्या होने वाला है? मुझे वो रोकना है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? ये पढ़ने के बाद अब श्लोक को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो इंसान कौन है, क्योंकि वो भी उस हादसे को रोकना चाहता था। उसने मैसेज किया, हम ये किस तरह कर सकते हैं? दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया और थोड़ी देर बाद एक वॉइस मैसेज आया। श्लोक ने हेडफोन लगाकर उस मैसेज को सुना और उस आवाज को पहचानते ही श्लोक की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वॉइस मैसेज में वो इंसान कह रहा था, मुझे पता चला है वो लोग ह्यूमन बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों को चुना गया है जिन्हें वो शहर में एक ऐसी जगह भेजेंगे जहां पर ज्यादा भीड़ होगी। वो ह्यूमन बॉम्ब इस तरह ब्लास्ट होंगे कि वो लोगों में एक बीमारी फैला सकते हैं, और बम के फटने पर शरीर के जो टुकड़े होंगे उनसे एक वायरस हवा में फैलेगा। वो वायरस बाकी लोगों के शरीर में जाकर उन्हें बीमार कर देगा, जिससे ये एक महामारी बन जाएगी। इन लोगों ने इसका एंटीडोट भी तैयार किया है, जिसे वो सरकार को तब भेजेंगे जब मुसीबतें ज्यादा बढ़ जाएगी और सरकार उसे लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। तब मिस्टर क्रिस्टल एक डील करेंगे, जिसमें वो सरकार से डार्क वर्ल्ड को एक स्पेशल राइट देने के लिए कहेंगे, जिससे पुलिस और मिलिट्री कोई भी उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके और ना ही उनके खिलाफ जा सके। वो लोग अंडरवर्ल्ड के साथ साथ गवर्नमेंट पर भी राज करना चाहते हैं। मैं नहीं जानता क्यों, पर मुझे ये सब रोकना है। अगर तुम इसमें मेरा साथ देना चाहते हो तो ओके का मैसेज भेज देना। वॉइस मैसेज खत्म हो गया। श्लोक ने सोचा, क्या वो इंसान सच कह रहा था? उसे प्रशांत पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, पर इस बार बात लाखों लोगों की जान की थी और वो रिस्क नहीं ले सकता था। श्लोक ने जल्दी से ओके लिखकर मैसेज सेंड कर दिया और डार्क वर्ल्ड के वेब पेज से हट गया। लैपटॉप बंद करते हुए श्लोक उस कमरे से बाहर आया और उसकी नजर किचन में काम कर रही आकांक्षा पर गई। उत्तराखंड मिलिट्री कैंप। विक्की अपनी कैब ठीक करते हुए उस बड़ी सी पहाड़ी पर चल रहा था। उसकी आंखें बहुत ज्यादा गहरी दिख रही थी और उसके हाथ में एक छोटा सा लैपटॉप था जिस पर वो कुछ काम कर रहा था। विक्की के पीछे कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स चल रहे थे। उन सबके हाथों में हथियार थे और वो आसपास नजर रखे हुए थे। एक जगह पर रुककर विक्की ने कहा, वो लोग वहां हैं। जैसे ही ऑफिसर्स ने ये बात सुनी, उन्होंने सामने थोड़ी दूरी पर बने एक छोटे से लकड़ी के घर को देखा, जहां कई सारे नकाबोश लोग उस घर की निगरानी कर रहे थे। एक ऑफिसर ने थोड़ा आगे जाकर बायनोकुलर से उस तरफ देखते हुए कहा, वहां लगभग 11 लोग हैं और उन सबके पास हथियार और बॉम्ब्स हैं। हमें सीधे हमला नहीं करना होगा, वरना अंदर मौजूद इंसान की जान को खतरा हो सकता है। विक्की ने सर हिलाया और लैपटॉप में एक मैप बनाने लगा। उसने उस घर का 3D फोटो अपने लैपटॉप में बनाया, जिसमें उन लोगों को भी दिखाया जा रहा था जो वहां मौजूद थे। विक्की ने फोटो ऑफिसर्स को दिखाते हुए कहा, दाई तरफ 6 लोग खड़े हैं और बाकी के 5 लोग अलग अलग दिशा में हैं। सबसे पहले अलग अलग दिशा के लोगों को मारना होगा। आप सब अलग अलग दिशा में जाइए। आपकी बंदूकों में साइलेंसर तो होगा ही। सबने हाँ में सिर हिलाया और अलग अलग दिशाओं में चले गए। विक्की सामने देख रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। उसे 3 दिन पहले इस जगह पर बुलाया गया था, ये कहकर कि किसी इंसान को जो 2 हफ्ते पहले सुबह पहाड़ों पर घूमने आया था, उसे आतंकवादियों द्वारा किडनैप कर लिया गया है
और वो कोई आम इंसान नहीं है, इसीलिए उसे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन आतंकवादियों ने उस इंसान को रिहा करने के बदले अपने साथी को छोड़ने की मांग रखी थी। विकी ने सिर हिलाया, उसे ये मिशन कंप्लीट करना ही था। थोड़ी देर बाद उस छोटे से घर के पास हलचल होने लगी। शायद वहां मौजूद आतंकवादियों को पता चल गया था कि उन पर हमला हो रहा है, क्योंकि उनके कुछ साथी जमीन पर गिरे हुए थे, इसीलिए वो लोग सतर्क होकर आसपास फायरिंग कर रहे थे। काफी देर तक चली उस लड़ाई में आखिरकार सारे आतंकवादी जख्मी हो गए और कुछ मारे गए। साथ ही कुछ ऑफिसर्स ने दो जिंदा आतंकवादियों को बंदी बना लिया था। सब घर की तरफ देख रहे थे। विक्की भी उस घर के दरवाजे को देख रहा था। एक ऑफिसर ने ध्यान से उस दरवाजे को देखते हुए कहा, सर आप पीछे रहिए, हो सकता है दरवाजे पर किसी तरह का डिवाइस लगा हो और उसे खोलने से आपको कोई नुकसान पहुंच जाए। विक्की ने अपने लैपटॉप के स्कैनर से उस दरवाजे को अच्छे से स्कैन किया और वहां सच में एक छोटा सा डिवाइस लगा था, जिससे अगर कोई भी उस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा तो उसे शॉक लगेगा। कुछ देर तक अपने लैपटॉप में कुछ करने के बाद विक्की ने अपना हाथ बढ़ाकर उस दरवाजे को खोल दिया। अंदर काफी अंधेरा था और वो जगह धूल से भरी थी। एक कुर्सी पर किसी को बांध कर रखा गया था। उस इंसान की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसके चेहरे पर आ रहे लंबे बालों से पता चल रहा था कि वो कोई लड़की है। किसी को अंदर आता देखकर वो लड़की छटपटाने लगी। विक्की ने उस लड़की के पास पहुंचकर रस्सियां खोलते हुए धीमी आवाज में कहा, सब ठीक है, तुम बच गई हो। विक्की की आवाज को सुनते ही वो लड़की शांत हो गई। जैसे ही विक्की ने उसकी रस्सियां खोली, उसकी नजर उस लड़की के हाथों पर बने निशानों पर गई। कई दिनों से रस्सी से बंधे होने के कारण वहां नीले निशान बन गए थे। विक्की को उसके लिए बुरा लगने लगा। वो लड़की जैसे ही उस कुर्सी से खड़ी हुई, कमजोरी के कारण वो बेहोश होकर गिरने लगी। पर इससे पहले कि वो लड़की जमीन पर गिरती, विक्की ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। बालों के चेहरे से हट जाने के कारण उस लड़की का खूबसूरत चेहरा विक्की की आंखों के सामने आ गया था। रोने के कारण उसकी आंखें सूज गई थी और उसके गुलाबी होंठ सफेद हो चुके थे। विक्की तुरंत उसे पहचान गया था। उसने जल्दी से उस लड़की को गोद में उठाया और घर के बाहर निकल गया। ऑफिसर जो बाहर खड़े होकर उसी का इंतजार कर रहे थे, विक्की को किसी लड़की को अपनी गोद में लाता देखकर एक ऑफिसर ने कहा, क्या हमें सिर्फ एक लड़की को बचाने के लिए भेजा गया था? विक्की ने घूर कर उसे देखा और कहा, हर सिटीजन आपके लिए जरूरी होना चाहिए। ये सुनते ही ऑफिसर ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। विक्की तेजी से उस ऊंची पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। विक्की को इस समय सिर्फ उस लड़की की चिंता हो रही थी। कैंप में पहुंचने के बाद विक्की उसे वहां मौजूद डॉक्टर के पास ले गया। उसने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, इसे चेक करो। ऑफिसर जो विक्की के साथ ही थे, वो भी विक्की के परेशान चेहरे को देखकर हैरान थे, क्योंकि वो विक्की के कोल्ड बिहेवियर से अच्छी तरह वाकिफ थे। उस ऑफिसर ने कई बार विक्की के साथ काम किया था, लेकिन विक्की ने कभी भी इस तरह का बिहेव नहीं किया था। डॉक्टर से जल्दी से उस लड़की को चेक की और कहा, ये ठीक है, इसे कई दिनों से कुछ खाने को नहीं दिया गया है और शायद कई बार मारा भी गया था। इनकी अच्छे से जांच करने पर ही बताया जा सकता है कि इन्हें कोई इंटरनल इंजरी हुई है या नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। इंजेक्शन देने और अच्छे से बैंडेज करने के बाद डॉक्टर वहां से चला गया। विक्की बेड के साइड में बैठा था। उसने उस लड़की के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, वेदिका तुम यहाँ कैसे फंस सकती हो? तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? ये कहते हुए उसने वेदिका के माथे पर किस कर लिया। वो पिछले 2 हफ्तों से उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था, पर वेदिका जैसे कहीं गायब ही हो गई थी। और जब वो उसे मिली थी, तब विक्की को पता चल रहा था कि उसे 2 हफ्तों से आतंकवादियों द्वारा किडनैप करके रखा गया था। विक्की को उन आतंकवादियों पर गुस्सा आने लगा था जिन्होंने उसकी वेदिका को किडनैप किया था।
विक्की वहीं बैठकर उसे देख रहा था और उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। जंगल वाला घर। आरुषि एक पेड़ के नीचे शांति से बैठी हुई थी। उसकी खाली आंखें आसपास की हरियाली को घूर रही थी। आरुषि का चेहरा पहले की तरह गुलाबी नहीं था, वो बहुत पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। मासूमियत और मुस्कुराहट जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी, शायद उसने वो कहीं खो दी थी। बॉडीगार्ड उसे हमेशा दूर से देखते रहते थे। लड़की जो हमेशा मस्ती करती थी और अलग अलग हरकतें करती हुई अच्छी लगती थी, उसकी उदासी उन्हें बुरा महसूस करवा रही थी। आरुषि के उस घर में आने से वो जगह बहुत अच्छी हो गई थी, पर जब से वो उस मीटिंग से लौटी थी, काफी चुपचाप रहने लगी थी, जिस कारण वो जगह बिल्कुल शांत हो चुकी थी। एक गार्ड ने दूसरे गार्ड से कहा, मैम को क्या हुआ है? पिछले 15 दिनों से वो अजीब बिहेव कर रही है। जब से मैम उस मीटिंग से लौटी है, तब से सर भी यहाँ वापस नहीं आए हैं। लेकिन वो रोज फोन करके मैम के बारे में पूछते हैं कि उन्होंने दिन भर क्या किया, और सारी बातें जानने के बाद सर बिना कुछ कहे फोन कट कर देते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या इन दोनों का झगड़ा हुआ है? दूसरे गार्ड ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पर जब से आरुषि मैम सर की जिंदगी में आई थी, सर बहुत बदलने लगे थे, लेकिन इन बीते दिनों में उनका वही क्रूअल बिहेवियर वापस आ गया है और वो बहुत ज्यादा बुरे काम कर रहे हैं। शायद वो बदलाव थोड़ी देर के लिए ही था। ये कहकर वो गार्ड उदास हो गया। कुछ पल वहां बैठे रहने के बाद आरुषि उठी और धीमे कदमों से घर की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के पास रुककर वो उस लकड़ी से बने बड़े से घर को देख रही थी, जहां प्रशांत और उसकी कई सारी अच्छी यादें थी। आरुषि का मन अंदर जाने को बिल्कुल नहीं कर रहा था। 15 दिन पहले प्रशांत ने जो उसके साथ किया था, उसकी कड़वी यादें आरुषि के जहन में आज भी थी। आरुषि को उस समय सिर्फ दर्द महसूस हुआ था और उसे ये एहसास भी हो चुका था कि वो सच में प्रशांत के लिए सिर्फ एक खिलौना थी। क्योंकि आरुषि के साथ वो सब करने के बाद प्रशांत उसे होटल रूम में छोड़कर चला गया था। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया था, तो एक फीमेल स्टाफ ने उसके कपड़े चेंज किए थे और गार्ड्स उसे वापस घर ले आए थे। तब से आरुषि ने ना तो प्रशांत को देखा था, ना उसे प्रशांत का कोई फोन आया था। यहाँ तक कि गार्ड्स भी ये नहीं बता रहे थे कि वो कहाँ गया है। आरुषि पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि प्रशांत को वो मिल गया है जिसके लिए वो उससे यहाँ लाया था, उसका जिस्म जिसे प्रशांत ने खरीदा था। ये सब सोचते हुए आरुषि ने अपने दोनों हाथों से खुद को गले लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर हिम्मत करके वो वापस उस घर में चली गई। वैसे भी उसके पास यहाँ रहने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। आरुषि के अंदर जाते ही बॉडीगार्ड ने प्रशांत को वो फोटोज भेज दी जो उसने आरुषि की उस पेड़ के पास बैठे हुए ली थी। साथ ही उसने एक वीडियो भी भेज दिया जिसमें आरुषि काम कर रही थी। श्लोक का विलाम। आकांक्षा इस समय बहुत गुस्से में थी और वो अपने लिए कुछ अच्छा खाना बनाकर दिमाग को शांत करना चाहती थी। उसने खुद से कहा, जब देखो काम करते रहते हैं, अगर ऐसा था तो काम से ही शादी कर लेते। देखना, अब मैं इन्हें अपने कमरे में भी नहीं आने दूंगी। इन्हें क्या लगता है, हमेशा इनकी चलेगी? खुद तो कभी भी कहीं भी चले जाते हैं, पर मेरा क्या? कॉलेज जाओ और घर आओ। नहीं, अब मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी। वो खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, डॉक्टर साहब दूर हटिए। श्लोक ने आकांक्षा की ब्लाउज की डोरी से खेलते हुए कहा, और अगर ऐसा मैं ना करूं तो? आकांक्षा ने श्लोक के दोनों हाथों को अपने पेट से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, तो मैं आपको कुछ नहीं कर सकती। आकांक्षा पहले तो श्लोक से दूर हो जाना चाहती थी, पर श्लोक के परफ्यूम की खुशबू और उसके हाथों की गर्माहट उसे श्लोक से दूर नहीं होने दे रही थी। श्लोक ने उसके कान पर बाइट करते हुए कहा, हम कहाँ चले? आकांक्षा जो अपनी आंखें बंद करके खुद की सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, श्लोक की बात सुनकर उसने झट से अपनी आंखें खोली और मुड़कर उसे देखते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? श्लोक ने आकांक्षा के बालों को सहलाते हुए कहा, जहां तुम जाओ। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, शिमला।
श्लोक ने आंखें छोटी करके उसे देखा और कहा, तुम्हें शिमला क्यों जाना है? आकांक्षा ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर रखी थी ताकि वो अपने चेहरे की घबराहट को छुपा सके। उसने हकलाते हुए कहा, मैंने सुना है वो बहुत सुंदर जगह है, वहाँ बहुत अच्छी बर्फ गिरती है। मैंने बर्फ गिरते हुए कभी नहीं देखी है, इसीलिए मुझे वो देखनी है, चलिए ना। श्लोक ने आकांक्षा को किचन काउंटर पर बिठाते हुए कहा, तो हम स्विट्जरलैंड चलते हैं, वो उससे भी अच्छी जगह है। आकांक्षा ने अपने दोनों हाथ श्लोक के गले में डाले और अपना सिर उसके सिर से टिकाते हुए कहा, आपने कहा था कि जहां मैं कहूंगी हम वहां जाएंगे, क्या अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं? श्लोक आकांक्षा के इस बिहेवियर से थोड़ा हैरान था और अब उसे थोड़ा शक भी होने लगा था, पर उसने उन सारी बातों को साइड करते हुए आकांक्षा का चेहरा अपने एक हाथ में पकड़ा और कहा, अब अगर तुम ऐसा करोगी तो आगे जो होगा उसमें तुम्हारी ही गलती होगी। एपिसोड 120, आकांक्षा और आरुषि हॉस्पिटल में। आकांक्षा ने श्लोक को अपनी तरफ खींचा और कहा, कौन सी गलती? श्लोक मुस्कुराया और बिना कुछ कहे आकांक्षा के होठों पर किस करने लगा। उनका किस तब तक चलता रहा जब तक आकांक्षा को कुछ जलने की स्मेल नहीं आई। उसने जोर से श्लोक को धक्का दिया और किचन काउंटर से उतरकर सामने देखने लगी। उसकी बनाई हुई डिश पूरी तरह जल चुकी थी। उसने श्लोक को घूरा और कहा, देखिए मेरा खाना जल गया, अब मैं क्या खाऊंगी? ये सब आपके कारण हुआ है। श्लोक ने उसे ऐसे देखा जैसे वो बोल रहा हो कि इसमें सारी गलती आकांक्षा की ही थी। उसकी नजरों को पढ़ते हुए आकांक्षा चेप गई। उसने हकलाती आवाज में कहा, हाँ तो किचन में आप आए थे, मैं थोड़ी बाहर गई थी। श्लोक ने कुछ नहीं कहा और आकांक्षा को साइड करके खुद किचन काउंटर के पास खड़ा हो गया। उसने उस जले हुए बर्तन को गैस पर से हटाया और एक दूसरा बर्तन गैस पर रख दिया। श्लोक ने अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर की और कुछ वेजिटेबल्स को काटने लगा। आकांक्षा ध्यान से उसे देख रही थी। थोड़ी ही देर बाद श्लोक ने आकांक्षा के लिए नूडल्स तैयार कर दिए। श्लोक ने वो नूडल्स एक बाउल में निकालकर आकांक्षा को देते हुए कहा, इसे टेस्ट करो। आकांक्षा ने बाउल के अंदर देखा जिसमें नूडल्स व्हाइट सॉस और वेजिटेबल के साथ बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। आकांक्षा ने शक भरी निगाहों से श्लोक को देखा और कहा, इसे सच में खा सकते हैं ना? श्लोक ने उसे घूरा और कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? जब तक तुम खाओगी नहीं तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अच्छा है कि नहीं? आकांक्षा ने आगे कुछ कहना सही नहीं समझा और चुपचाप नूडल्स खाने लगी। पहला बाइट लेते ही आकांक्षा की आंखों में चमक आ गई। उसने चमकती हुई आंखों से श्लोक को देखकर कहा, ये सच में ये बहुत अच्छे हैं। ये कहते हुए वो जल्दी जल्दी नूडल्स खा रही थी। श्लोक उसके मासूम चेहरे को देख रहा था। तभी उसको प्रशांत का मैसेज याद आ गया जिससे उसकी आंखें गहरी हो गई। वो आकांक्षा से पूछना चाहता था कि क्या उसने प्रशांत को कभी किसी तरह के अच्छे काम को करते देखा था, पर आकांक्षा की खुशी को देखकर जो वो इस समय महसूस कर रही थी, श्लोक आकांक्षा को उसके पुराने जख्मों से नहीं मिलाना चाहता था, इसीलिए उसने उस बात को छोड़ने का फैसला किया। वो किसी और तरीके से भी इस बात का पता लगा सकता था। नूडल्स खाने के बाद आकांक्षा ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा पेट तो भर गया, अब मैं सोने चली। ये कहते हुए वो किचन से बाहर जाने लगी कि तभी श्लोक ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया। आकांक्षा ने उसकी पीठ पर पंच मारते हुए कहा, अब क्या कर रहे हैं? श्लोक ने उसे सीढ़ियों से ऊपर ले जाते हुए कहा, तुमने तो खाना खा लिया, पर मैंने तो कुछ नहीं खाया है। आकांक्षा ने कंफ्यूज होकर अपना सिर उठाया और कहा, तो चलिए मैं कुछ बना देती हूँ। श्लोक ने कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा, नहीं मैं तुम्हें खा लूंगा, उससे ही मेरा पेट भर जाएगा। ये सुनते ही आकांक्षा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इससे पहले कि वो वहां से भाग पाती वो दोनों बेड पर थे। कुछ पल बाद वो कमरा आकांक्षा की तेज आवाज और उन दोनों की तेज सांसों से भर चुका था। अगले दिन सिटी हॉस्पिटल के दो फ्लोर पर दो लड़कियां एडमिट थी। फर्स्ट फ्लोर,
श्लोक ने परेशान होकर डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, क्या वो ठीक है? डॉक्टर जो अपना फेस सीरियस दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसने कहा, वो ठीक है, उन्हें बस फूड पॉइजनिंग हुई थी। वो थोड़ी देर आराम करेंगी तो वो ठीक हो जाएगी, और उन्हें कमजोरी के कारण चक्कर आ गए थे। आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। श्लोक ने एक गहरी सांस ली। जब वो आकांक्षा के साथ शिमला के लिए निकलने वाला था, तभी आकांक्षा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उसे वॉमिट होने के साथ चक्कर आने लगे थे, जिस कारण श्लोक को उसे तुरंत हॉस्पिटल लाना पड़ा था। श्लोक आकांक्षा के वार्ड के अंदर एंटर हुआ और बेड पर लेटी हुई आकांक्षा को देखने लगा, जिसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने आकांक्षा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बिल्कुल खुद का ध्यान नहीं रखती। उसी हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर पर प्रशांत अपनी गहरी आंखों से ऑपरेशन रूम की लाइट को देख रहा था। उसके साइड में खड़ा बॉडीगार्ड अपनी शरीर में कपकपी को महसूस कर सकता था, क्योंकि उसका बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में था। प्रशांत ने अपनी ठंडी मगर धीमी आवाज में कहा, ये सब कैसे हुआ? बॉडीगार्ड ने हकलाते हुए कहा, सर, कल शाम को जब आरुषि मैम घर में आराम कर रही थी, तब फ्लैशबैक। आरुषि दोपहर में सो रही थी। उसका शरीर आजकल काफी थका रहता था। शाम को उठकर वो सीधा किचन में खुद के लिए कुछ खाना बनाने चली गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। जब आरुषि ने आसपास उस खाली घर को देखा तो उसे कोई नहीं मिला। निराश होकर वो वापस अपना खाना बनाने लगी, लेकिन फिर उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अब उसे डर लग रहा था। वो बाहर जाकर किसी बॉडीगार्ड को आवाज देती, इससे पहले ही कोई अचानक उसके सामने आ गया। वो एक लड़की थी जिसके चेहरे पर काले रंग का मास्क था और वो गुस्से में उसे घूर रही थी। आरुषि ने अपने कदमों को पीछे लेते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने अपनी गुस्से भरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें मारने आई हूँ। सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे कंपनी से निकाल दिया गया और मैं प्रशांत सर से दूर हो गई। आवाज को पहचानते ही आरुषि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, माया, मुझे जाने दो। माया ने अपने चेहरे से मास्क हटाया और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब जब तुम मुझे पहचान गई हो तो ठीक है, यही सही। ये कहते हुए उसने एक चाकू से आरुषि पर वार कर दिया। दर्द के एहसास से आरुषि की चीख निकल गई। चाकू उसके पेट के कोने से पार हो गया और वहां पर खून बहने लगा था। बॉडीगार्ड्स आरुषि की चीख सुनकर अंदर आ चुके थे। उन्होंने तुरंत माया को आरुषि से दूर किया और उसे बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। फिर वो जल्दी से आरुषि को हॉस्पिटल ले आए। प्रेजेंट टाइम प्रशांत की आंखें हर बीतते पल के साथ और गहरी होती जा रही थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भींचा और कहा, उसे मार डालो, उसके शरीर के इतने टुकड़े करना कि वो जान सके कि मौत क्या होती है। उसे तब तक होश रहना चाहिए जब तक उसके शरीर का एक एक हिस्सा अलग ना हो जाए। मैं उसकी मौत देखना चाहता हूँ। प्रशांत को बहुत गुस्सा आ रहा था। माया की हिम्मत कैसे हुई उसकी आरुषि को हाथ लगाने की? माया ने उस इंसान को चोट पहुंचाने की कोशिश की, जिसे प्रशांत अपना सब कुछ मानने लगा था। बॉडीगार्ड ने प्रशांत की बात सुनकर जल्दी से हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए कहा, ऑपरेशन हो गया है। उनके स्टमक के राइट साइड में 12 टाके आए हैं। उनका बहुत खास ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि शायद उन्हें पहले से ही खून की कमी थी और कमजोरी के कारण अब वो और ज्यादा बीमार हो गई है। आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनका अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते तो उन्हें यहीं रहने दें। इतना कहने के बाद डॉक्टर कुछ पल के लिए रुक गए और फिर उसने झिझकते हुए कहा, मिस्टर प्रशांत, वो लड़की आपकी क्या लगती है? ये सुनकर प्रशांत की आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। डॉक्टर ने डरते हुए प्रशांत को देखा और फिर थोड़ी धीमी आवाज में कहा, उसके शरीर की जांच करने पर पता चला है कि शायद 1 से 2 हफ्ते पहले उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की थी।
उसके शरीर पर अभी भी वो निशान मौजूद हैं और उसके शरीर का निचला हिस्सा बहुत बुरी तरह जख्मी है, जिस पर शायद उस लड़की ने ध्यान नहीं दिया और अब वहाँ इन्फेक्शन फैल रहा है। ये सुनकर प्रशांत को उस होटल का भयानक सीन याद आ गया जब वो जानवर से भी खतरनाक हो चुका था। अपनी आंखों को कुछ पल तक बंद करने के बाद उसने कहा, उसका इलाज करो, मुझे वो पूरी तरह ठीक चाहिए। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। अरोड़ा मेंशन। प्रशांत बिना किसी भाव के सोफे पर बैठा हुआ था और बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। संजय जी ने उसे किसी जरूरी काम से जल्द घर बुलाया था, जिस कारण उसे आरुषि को हॉस्पिटल में बॉडीगार्ड की निगरानी में छोड़कर यहाँ आना पड़ा था। उसने चिढ़कर सीढ़ियों की तरफ देखा, उसे यहाँ से निकलना था। प्रशांत उठकर जाने ही वाला था कि सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। प्रशांत ने अपना सिर उठाकर देखा, संजय जी अपने सूट की टाई ठीक करते हुए वहां आ रहे थे। उनका चेहरा अभी भी घमंड से भरा था। उन्होंने प्रशांत के सामने बैठते हुए कहा, तो तुम आ गए, मुझे जानना है तुम पिछले एक महीने से कहाँ हो। तुम्हें ना कंपनी की चिंता है ना किसी और चीज की। तुम्हारे कारण बोर्ड मेंबर्स और शेयर होल्डर्स मुझे कितना परेशान कर रहे हैं। हमारे कितने प्रोजेक्ट तुम्हारे कारण खराब हो गए हैं क्योंकि तुम उन प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हो। हमने उस लड़की से उसकी प्रॉपर्टी छीन ली, उसे मार दिया और अब इसके बाद तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ। प्रशांत, तुम आजकल क्या कर रहे हो? संजय जी काफी गुस्से में थे। वो एक कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करने वाले थे जिसे प्रशांत ने उस मीटिंग में कैंसिल कर दिया था जो उसने होटल में की थी। प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाने से संजय जी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और वो उसी बारे में प्रशांत से बात करना चाहते थे। प्रशांत को उनकी बातें सुनकर होटल में उन लोगों की गंदी नजरें याद आ गई जो आरुषि को देख रही थी और उसके बाद उसे अपना बर्ताव याद आया जो उसने आरुषि के साथ किया था। उन सारी बातों के अपने दिमाग से होकर गुजरते ही प्रशांत का गुस्सा बढ़ने लगा। प्रशांत ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और धीमी मगर कठोर आवाज में कहा, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करता हूँ। मैंने आपसे आज तक नहीं पूछा कि आपने उन सारे पैसों का क्या किया जो मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ। ये कंपनी सिर्फ इसीलिए चल रही है क्योंकि मैं इसमें आपका साथ दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो आपको क्या लगता है, आप कब तक इसे चला पाएंगे? प्रशांत की उन बातों को सुनकर संजय जी को डर लगने लगा। उन्हें सच में बिजनेस की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब था और आकांक्षा की प्रॉपर्टी हासिल करने के बाद उन्हें जितना भी पैसा मिला था वो सारा पैसा संजय जी खर्च कर चुके थे और अब उनके पास कंपनी से मिलने वाले प्रॉफिट के अलावा और पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी आवाज को नरम करते हुए कहा, देखो प्रशांत, तुम्हें समझना होगा, हमें इतनी मुश्किल से ये सब हासिल किया है और अब तुम। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते, प्रशांत उठकर खड़ा हुआ और उसने अपना सूट ठीक करते हुए कहा, मुझे नहीं जानना कि आपने क्या किया या आपने मुझसे क्या करवाया, पर अब मैं आपका किसी भी गलत काम में साथ नहीं देने वाला हूँ। ये कहते हुए वो तेज कदमों से वहां से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही संजय जी ने टेबल पर रखी चाय के कप को जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने जल्दी से किसी को फोन लगाया और कहा, ये किस तरह का हिप्नोटिज्म है, वो नॉर्मल कैसे हो गया? उसे वापस पहले जैसा करो, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ। ये कहते हुए उन्होंने कॉल कट कर दिया और कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी राधा ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप इतने परेशान क्यों हैं? संजय जी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ये लड़का नॉर्मल कैसे हो सकता है? मैं जब इसे यहाँ लेकर आया था तभी मैंने इंडिया के बेस्ट हिप्नोटाइजर से इसे हिप्नोटाइज करवाया था ताकि ये सिर्फ मेरी बातें माने और जो मैं कहूँ वो करे। तो फिर ये कैसे खुद को फील कर सकता है और इसके अंदर फीलिंग्स कैसे आ सकती हैं? इसे सिर्फ एक रोबोट बनकर मेरे कामों को करना था, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं बन सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
राधा ने उनके साइड में बैठते हुए कहा, पर आपने ऐसा क्यों किया था? वैसे भी हमने उसे गोद लिया था तो वो हमारी सारी बातें मानता ही ना। संजय जी ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम नहीं जानती राधा, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा था। उसे कई सारे अवार्ड्स मिले थे। उसे सही गलत की बहुत अच्छी समझ थी। वो बचपन से ही बहुत ईमानदार था और कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था, पर मुझे वो चाहिए था, इसीलिए मैंने उसे हिप्नोटाइज करवाया था जिससे वो सिर्फ मेरी बातें माने। प्रशांत के अंदर के सारे इमोशंस खत्म हो चुके थे और उसके अंदर सिर्फ एक इमोशन था, वो था सिर्फ किसी भी चीज को सिर्फ अपना बनाकर रखने का भाव। अगर उसे कुछ पसंद आ जाए तो उसे वो चाहिए था। उसे बचपन से ही आकांक्षा पसंद थी और मैं इस बात से खुश था कि वो उस लड़की को पसंद करता है। मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसे आकांक्षा को दे दूंगा, पर उसे आकांक्षा को टॉर्चर करना होगा, उसे दवाइयां देनी होगी, उसे इस हद तक तोड़ देना होगा कि वो जिंदा लाश बन जाए। उसके बाद वो सिर्फ उसकी बातें मानेगी। प्रशांत को मेरे हर शब्द पर विश्वास होता था क्योंकि मैं उसका मालिक था, पर अब ऐसा नहीं है। मुझे उसे वापस पहले जैसा बनाना है। ये कहते हुए संजय जी की आंखें गहरी हो रही थीं।